एक बर्मन के साथ जुल्म हुआ, आपने देखा। हमने उस जुल्म का इकबाल करके इंसाफ पसंदी और हक का रास्ता इख्तियार किया है। हम अपनी अजीम सल्तनत की भलाई के लिए एक नया कदम उठाना चाहते हैं। हमारी तजवीज है इसी बरस हम अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से दौलताबाद ले जाए। एक दौलताबाद ही हमारी सल्तनत के 12 सूबों के मरकज में आबाद है, जहां से हम अपनी लंबी चौड़ी सल्तनत के हर कोने पर हुकूमत की मजबूत गिरफ्त कायम रख सकते हैं। इससे भी अहम बात यह है कि दौलताबाद हिंदुओं की आबादी है। हम अपने दारुल खिलाफे को वहां ले जाकर हिंदुओं और मुसलमानों में एक मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं। इस नेक काम की खातिर आप सबको दौलताबाद आने की दावत देते हैं। दावत दे रहे हैं, हुक्म नहीं। जिन्हें हमारे ख्वाबों की सदाकत पर जरा भी यकीन हो, वही आए। मजूर की मदद से हम एक ऐसी मिसाली हुकूमत कायम करेंगे जिसे देखकर सारी दुनिया दंग रह जाए। हमारे ख्वाबों की ताबीर बनने वालों, खुदा हाफिज। सुल्तान मोहम्मद सलामत रहे। सुल्तान मोहम्मद सलामत रहे। सुल्तान मोहम्मद सलामत रहे। सुनिए जरा, अपने वालिद और भाई के कत्ल से जी नहीं भरा तो हम पर आफत ढाने पर तुले हैं। बस बस, खबरदार,
जो सुल्तान के खिलाफ एक लफ्जी कहा तो उस पर आखिर की तरह के साहबजादे, सारा जहान जानता है कि तुम्हारे सुल्तान ने किस तरीके से अपने वालिद और भाई को कत्ल करवाया। उतने से कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो चले दाम मौजूद थे वहाँ जहाँ सुल्तान के वालिद का इंतकाल हुआ। मेरी मौजूदगी से क्या होता है, जो मौजूद थे मैं मौजूद था। सुल्तान, उनके वालिद और भाई लकड़ी के बने मचान पर बैठे शाही फौज का जुलूस देख रहे थे। उसी वक्त अजान की आवाज सुनाई दी और खुदा तर सुल्तान नमाज के लिए मचान से बाहर आए। तभी इत्तेफाक से जुलूस में मतवाला हाथी अचानक उस मचान पर चढ़ बैठा। बस बिजली की गड़क जैसी आवाज हुई और मचान लहराता हुआ एकदम नीचे जमीन पर आ गिरा। बेचारे सुल्तान के वालिद और भाई दोनों उसी मलबे के नीचे दबकर मर गए। लेकिन खुदा का करम हुजूर कि हमारे नेक दिल सुल्तान बाल बाल बच गए। अच्छा, मगर नेक दिल सुल्तान को उसी वक्त बाहर निकलने का इल्हाम कैसे हुआ? बताइए। आप लोग नहीं जानते कि हमारे सुल्तान नमाज के किस कदर पाबंद है? हाँ बखूबी, लेकिन ताज्जुब तो यह है जनाब कि उस हाथी ने नमाज की पाबंदी कब से सीखी। इसके अलावा वो लकड़ी का मचान सुना है नेक दिल सुल्तान के हुक्म से ही तामीर हुआ। अच्छा ठीक है, हमारी नहीं मगर शेख महमूद्दीन की बात को तस्लीम करोगे ना? उन्होंने खुलेआम फरमाया है कि सुल्तान ने खुद अपने वालिद और भाई को कत्ल किया। हुजूर, आपने तो शेख मोहतरम के दीदार भी किए होंगे। हाँ, कानपुर में मैंने उनकी तकरीर को उनके जुबान मुबारक से सुना था। और कहते हैं कि शेख साहब और सुल्तान काफी हमशक्ल हैं। हाँ, और ये नहीं सुल्तान से हुबहू मिलते हो, फिर भी शेख के खड़े होने का अंदाज, रोक दाग, ताली की बनावट सब सुल्तान की याद दिलाते हैं। मुकदमा खत्म हो चुका, अब ये नफरतन बंद कीजिए और यहाँ से चलते रहिए। साझा हो तो अपना मुंह बंद, वरना पहले तुम्हारी कपटकानी का बयान हो जाए। चंद रोज हुए मैं गरीब के गांव में मैले कुचले कपड़े बटोरने गया हुआ था। अभी ढिंडोरे की आवाज से मेरे कान खड़े हो गए। शाह ऐलान हो रहा था कि हक पसंद सुल्तान की तरफ से किसी भी रैयत पर कोई भी जुर्म सितम हुआ हो तो हाकिम अदालत से फरियाद करने की इजाजत होगी और फरियादी को सही इंसाफ मिलेगा। बस मुद्दई सुस्त गवाह चुस्ती मसल सुनी है ना, मुझे अपने गांव के बिष्णु प्रसाद वाली वारदात याद आई, जिसकी जमीन को सुल्तान के कारिंदों ने कभी जब्त कर लिया था। फिर क्या बन गया बिरासत, नाम भी बिष्णु प्रसाद ही बताया। फिर अगले दिन असली बिष्णु प्रसाद से हम नकली बिष्णु प्रसाद ने वो जमीन खरीद ली। जब्त की हुई जमीन की खरीदारी कैसे? यही सवाल उस सेवक प्रसाद ने भी किया था। मैंने कहा तुम महज अपनी जमीन की मिल्कियत मुझे बेच दो और 10 अशर्फियां गिन के रख दी सामने।
गरीब का मुंह खुला का खुला रह गया। बस उसी हालत में मैंने उससे मिल्कियत दिखा ली, सोचता होगा जमीन तो गई ही है, अशर्फियां क्यों छोड़ू। बस उसको खुला मुंह वहीं छोड़ उसी दिन दिल्ली दौड़ाया और अपने इंसान पसंद सुल्तान के खिलाफ नालिश ठोक दी। मगर है ठगो के उस्ताद, अगर कोई सुल्तान को तुम्हारी इस कपटकांडी का पता लग जाता तो एक बात मैं भी नहीं समझा, आखिर तुम पिरामिडी क्यों बने। जाहिर है सुल्तान को अपनी इंसाफ पसंदी और गैर जानबदारी को साबित करना था, अपनी रियाया पर यह जाहिर करना था कि हिंदुओं के साथ भी बराबरी का सलूक बरतते हैं। दिमाग है तुम्हारा, क्या ये सब मैं समझ गया, लेकिन इसमें मेरी क्या साझेदारी रहेगी। सुना है दिल्ली की अवाम को दौलताबाद रवाना करने के लिए सुल्तान को बहुत मुलाजिमों की जरूरत है, अब मुझे तो मुलाजिमत मिल भी चुकी है, खालिस हिंदू हूं ना, अब तुम भी चलो मेरे साथ, एक ब्राह्मण के साथ एक मुसलमान को देखकर अपने फौले सुल्तान भी बाग बाग हो जाएंगे। या बाबा, मेरी तौबा ऐसी चाहिए मुलाजिमत से। अरे डरो नहीं दोस्त, दिल मजबूत रखो, फिर देखो दौलताबाद पहुंचते पहुंचते तुम्हारे पास दौलत की रेल फेल हो जाएगी। उसके बाद? अरे बात की बात बात को, कल की फिक्र में आज दुबला होने की क्या जरूरत। मुझे वो हल मिल गया। किस कदर आसान है। मैं क्या समझूं मोहम्मद, समझना चाहे तो समझ भी जाए अम्मी, लेकिन समझने की चाह भी तो हो। मैं यहाँ शतरंज खेलने नहीं आई हूँ, इतनी गरज है तो बुलवा लो अपने शतरंजी दोस्त आयनुल मुल्क को, उसे बताओ अपना हल। बजा फरमाया अम्मी जान, शतरंज की चालें चलनी है तो बस आयनुल मुल्क के साथ। लेकिन अब ऐसी ही सूरत पेश हुई है अम्मी, अगर मोहरे काट के नहीं रहे जिंदा फौजी मोहरे बन गए। कभी कभी तो तुम सहेलियां बुझाने लगते हो मोहम्मद। अम्मी मेरा हमदम शतरंज का दोस्त आयनुल मुल्क, मैं फौज दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है। 3 रोज हुए मेरे मुखबिर का लिखा है खत मिला जिसमें आयनुल मुल्क की दगाबाजी की दास्तान दर्ज थी। लिखा था कि दिल्ली की तरफ कूच किए उसे 8 रोज हुए। तो अब तुम क्या करोगे। करना क्या है, बची खुची फौज लेकर उससे पूछना। बची खुची फौज? हाँ अम्मी, मेरे पास अब अपनी फौज का 8वां हिस्सा भी है। आपकी तशरीह बाबरी का सबब जानना तो मैं भूल ही। अब कोई जरूरत नहीं रही। क्यों, कोई खास बात नहीं थी, दरअसल मैं ये जानना चाहती थी कि आजकल तुम किस चक्कर में। दिन चढ़े तक तुम्हारे कमरे में रोशनी रहती है, रात भर जागते रहते हो, आखिर अपनी सेहत के साथ ये दुश्मनी क्यों। यानी आप समझती हैं कि मैं आयनुल मुल्क की फिक्र में खुला जा रहा हूं। तो रात भर करते क्या। अल्लाह से दरख्वास्त करता रहता हूं कि या खुदा मुझे नींद ना आए। दिन तो यूं ही दुनियावी शोरगुल में निकल जाता है, मगर ज्यों ही दिन का उजाला रुखसत होता है, मैं इब्न अल मोतज और दुर्रहमान जैसे बावकार शायरों का कलाम गुनगुनाया करता हूं। तो एक ही दिल में यह ख्वाहिश उभरती है कि मैं अभी और इल्म हासिल करूं, अभी और तरक्की करूं और ऊपर उठूं और फौरन मेरे तसव्वुर में मेरी रियाया का साया उभरने लगता है और मेरा जी फिर बेकरार होने लगता है। जी होता है किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाऊं और वहां से अपनी रियाया को आवाज दूं, ऐ मेरी अजीज तरीन रियाया उठो उठो, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, तुम्हारी राह देख रहा हूं, आओ आओ अपनी तमाम परेशानियां मुझे बता दो,
मैं अपनी तमाम ख्वाहिशें तुम्हें सुना दूं, फिर हम सब एक साथ परवरदिगार की इबादत करें। आओ हम चराग बनकर जिंदगी को रोशनी दें, रात बनकर धरती की तमाम सरहदों को मिटा दें। आओ आओ मैं तुमसे गले मिलने के लिए बेचैन हूं। लेकिन जमीन में जड़ जमाए बिना सितारों में टहनियां कहां से फूटे। उजरे हुए सुल्तानों के जुल्मों की सताई हुई रियाया में मुझे नई उम्मीदें जगानी, उनकी ख्वाहिशों उनकी तमन्नाओं को अमली सूरत दे। या खुदा, मेरे इतने सारे मंसूबे एक ही दौर में पूरे हो जाएं। खुदा की अजमत, रियाया की भलाई का ख्वाब और जाती ख्वाहिश, जब तीनों में कश्मकश हो रही हो अम्मी, तो मुझे सोने का वक्त कहां है। अरे अम्मी, मुझे दुश्मन की नहीं अपनी रियाया की फिक्र है। क्या गुजरे सुल्तानों को कोई फिक्र नहीं थी? उनकी फिक्र दूसरी किस्म की थी। फिर उनके माथे पर ताज फपता भी नहीं था, ना खुद ताज उतारने की उनमें हिम्मत ही थी। नतीजा ये हुआ कि बेचारे जवानी में ही बुढ़ापे का शिकार हो गए या मारे। मोहम्मद, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। 2 वर्षों के बाद भी आपको उस खबर पर यकीन नहीं हुआ? कौन सी खबर? कौन सी खबर? यही कि मैंने अपने वालिद और भाई को मौत के घाट उतरवा दिया था, और उनके कत्ल से मैंने नमाज के वक्त को नापाक कर दिया था। मैंने ऐसी अफवाह पर कभी यकीन नहीं किया मोहम्मद। क्यों नहीं? मेरे वालिदा को यकीन है, मेरे तमाम मुसाहिबों को है, तमाम अमीरों वजीरों को है, फिर सौतेली माँ को ही क्यों नहीं? नादान, मुझे सौतेली माँ समझते हो? सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, वजीर आजम नजीब और वाक्य नबी जियाउद्दीन बरनी हुजूर का न्याज हासिल करना चाहते हैं। आने दो। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। आइए आइए, तशरीफ लाइए। नजी, इंतजाम कैसा है? सब ठीक है हुजूर। 3-4 नायब वजीरों ने अपनी टुकड़ियां भिजवाने का वादा किया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फौज 6,000 से ज्यादा नहीं छुटेगी। 30,000 के मुकाबले में सिर्फ 6,000। ना उम्मीद क्यों होते हो नजीब? हमारी तरफ उसकी फौज की तादाद से 1-0 ही तो कम है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। फौज? कौन सी फौज? कहां का इंतजाम? ये सब क्या है खुदावर? अगर मैं एक दूसरे ही सिलसिले में आया हूँ, इसका इंतजाम अभी होना। वली शेख इनामुद्दीन अब दिल्ली तशरीफ लाए हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हम दिल्ली से रवाना होने से पहले शेख साहब से दुआ मांग ले। शेख साहब की तरफ से लापरवाह ना हो। लापरवाह? हमने कहा ना कि हम उनका दीदार करेंगे। और सुना है अम्मी कि शेख मोहतरम हमारे हम शक्ल है, तो फिर हम जाने से पहले अपनी जाती शक्लो सूरत का जायजा भी एक बार क्यों ना ले लें। बंदा अर्ज करना चाहता है कि दीदार तो करें, लेकिन कांटा भी निकालो। इस कदर खौफनाक सलाह दे रहे हैं जी, वो भी शेख इमामुद्दीन जैसे नेकदिल शख्स के खिलाफ? क्यों ना जी, भला शेख इमामुद्दीन से किस बात का खतरा है? शेख साहब कोई मामूली हस्ती नहीं है, एकाध है उनकी आवाज। वो अपनी तकरीर से भोले भाले लोगों को भड़का कर बगावत के लिए उकसाते हैं। कानपुर में उन्होंने जो तकरीर की थी, उसी का असर तो था। आवाम ने तैश में आकर हदे कानपुर को खाक कर डाला। शेख साहब बड़े वली और पाक दिल इंसान तस्लीम किए जाते हैं, मगर उनकी इस एक दिली से ही बागियों की हरकतों को शह मिलती। यकीन ना हो तो बरनी साहब से सारा हाल मालूम कर दें। मतलब बरनी, तुमने उनकी तकरीर सुनी थी? हाँ हुजूर, 2 महीने हुए जब मैं दौरे पर था, लेकिन वजीर साहब को इसकी खबर कहां से मिली? हम हुकूमत करते हैं बरनी साहब, ऐसी बहुत सी तदबीरें हमें करनी पड़ती। आपको यहां हाजिर होने का पैगाम इसीलिए दिया गया। जहां वाकया तारीखी हो,
वहां वाकया नवीस पर कौन पाबंदी लगा सकता है? लेकिन वरनी ऐसी कौन सी संगीन बातें शेख मोहतरम ने फरमाए जो तुम छिपाना चाहते हो? हमें खबर मिली है कि हुजूर सुल्तान पर शेख साहब ने इल्जामों की बौछार कर रखी है। उनका कहना है कि सुल्तान के तख्त नशीनी के बाद दीनों ईमान गारत हो गया। सुल्तान बहुत लोगों के गुनहगार, उन्होंने नमाज के वक्त अपने वालिद और भाई को कत्ल करवा संगीन जुर्म किया और पाक इबादत को नापाक किया। ए, सच है बरनी? हाँ खुदावर। तो क्या वो बेमानी किस्सा अब मजमे मजलिसों में भी छेड़ा जाता है? ऐसी मामूली सी बात पर परेशान ना हो खुदा। मामूली सी बात? मैंने अपने वालिद का कत्ल किया, ये मामूली सी बात है? नमाज के वक्त को मैंने नापाक कर दिया, ये भी मामूली सी बात है? वरनी लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं। मुझे डर लगता है तो उनकी गलत ज़हनियत से, और उन्हें दीनों ईमान की फिक्र होती तो मुझे कोई एतराज ना होता, या मेरे वालिद से ही उन्हें कोई खास लगाव होता तो भी मैं उजर नहीं करता। लेकिन उन्हें महज मुझसे अदावत और नफरत है। मेरी वालिदा, जिसकी कोख से मैं पैदा हुआ हूं, जो मेरे वालिद से सख्त परहेज रखती थी, वो भी मुझसे खफा है। किस लिए? इसलिए कि वालिद के साथ भाई भी मर रहा है, कमजोर भाई। वरनी अगर मैं मर जाता और वो बचा रहता तो उंगलियों के इशारे पर नचाया जा सकता था, लेकिन मैं बच गया। मैं सिद्दी जिंदा रह गया। सब इसी गुनाह की खातिर वालिदा मेरा मुंह तक नहीं देखती। वही क्यों? उस पर दिन रात ममता लुटाने वाली ये सौतेली मां भी उस शको शुभा से पार नहीं। आखिर शेख मुअज्जम के बारे में क्या हुक्म है? हुक्म क्या है? उनकी आग बरसाने वाली तकरीर दिल्ली में भी होने दो, सबसे आगे हम ही बैठकर उनकी तकरीर सुनेंगे। हुजूर, हम पहले से ही खतरों से घिरे हुए हैं। अगर मौके पर मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई तो दिल्ली में भी कानपुर वाली वारदात दोहराई जा सकती। नहीं वजीर आजम, सुल्तान ने खुद ऐलान करा रखा है कि कोई भी बिला खौफ आकर सुल्तान की नुक्ताचीनी कर सकता है। मैं यकीनन कहूंगा रियाया हमारे सुल्तान की इस इंसाफ पसंदी और दरिया दिली की तहे दिल से कद्र करेगी। सियासत में ये दरिया दिली, ये इंसाफ पसंदी सब बेकार की बातें हैं। यहाँ मतलब की चीज एक ही है बरनी साहब, हुकूमत की ताकत। तो आपका ख्याल है कि दुनिया में ईमान की हुकूमत नामुमकिन? लेकिन जरा तवारीख पर गौर डालिए वजीर आजम, रसूल अल्लाह के पाक पैगाम में अब भी ईमान की हुकूमत कायम करने की ताकत और कुव्वत है। अगर अब तक तो हुकूमत शमशीर के बदौलत ही कायम हो पाई। लेकिन ये जरूरी नहीं कि शमशीर से काम की गई हुकूमत कभी भी तीनों ईमान का रास्ता अख्तियार नहीं कर सकती। सुनहरा दौर बरनी साहब, सुनहरा दौर इस दुनिया में कभी कायम नहीं हो सकता। यहाँ है सिर्फ चंद लम्हे, जो हम जी रहे हैं, बस इन पर से हमारी गिरफ्त ढीली ना पड़े। मुझसे क्या उम्मीद रखते हो नजीर? उन्होंने बात साफ कर दी है हुजूर, वो शेख साहब की मौत के ख्वाहिशमंद है, उनका कत्ल कराना चाहते हैं। जी नहीं, कत्ल करवाने से उन्हें शहादत का रुतबा मिल जाए। हुजूर, शेख साहब आपके हम शक हैं, इसे भूलिएगा नहीं। अजी, आज ही शेख साहब को हमारी तरफ से दावत भिजवा दो। परसों शाम को बड़ी मस्जिद के सामने सेहन में एक अजीम शान मजलिस होगी। पूरे शहर में मुनादी करवाओ कि दिल्ली का हर बाशिंदा उस मजलिस में हाजिर हो। उस दिन शेख साहब आवाम के सामने अपनी जोशीली तकरीर करें। उन्हें इस बात की इजाजत होगी कि हमारे मुताबिक जो चाहे कहें, जी भरकर भला बुरा कहें, हटकारे बद्दुआ दे लानत भेजे। याद रहे नजीब, इसी रात को हमें कन्नौज के लिए कूच की तैयारी भी करनी है। फौज को आरास्ता रखा जा रहा है। मोहम्मद, तुम्हारी गैरहाजिरी में दिल्ली में कौन रहेगा? क्यों, वजीर आजम जो है, संपन्न शहर के अमीर के साहबजादे शहाबुद्दीन को भी केला भेजा है। दो चार रोज में वो यहाँ पहुंच जाए। ऐसा क्यों? दिल्ली में अमीर उमराओं की कमी है क्या? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं।
दरअसल संपन्न शहर का अमीर हमसे कुछ बखुमा करता, उसी के साहबजादे को यहां बुलाकर उसे अपने हक में कर लेना चाहते। ये किस लिए हुजूर? वरनी अगर मेरा खेल तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे माफ करो, मेरे सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आपका क्या हुक्म है अम्मीजान? मोहम्मद, मैं बर्नी साहब के साथ कुछ मशवरा करना चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए वो यहाँ रहे। खुशी से शरीफ बर्नी, समझ नहीं पा रही हूँ आपसे किस तरह से बयां करूं। अपने ही बेटे के खिलाफ कुछ कहना भी तो। बंदे पर भरोसा करें बेगम साहिबा। हमें मालूम है शरीफ बर्नी, इसीलिए आपसे रुकने की दरख्वास्त की। आप मोहम्मद के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो इस कदर जहीन, आलिम फाजिल और जफाकश है कि सब उसे बेनजीर तस्लीम करते थे, लेकिन साथ ही वो इंतहाई दर्जे का हसास और जज्बाती भी है। कभी कभी पागलों किसी हरकतें कर बैठता है। अगर किसी बात से दुखी हो जाए या खफा हो जाए तो कोई बता नहीं सकता कि पल भर में वो क्या कयामत बर्पा कर। ऐसे शख्स के साथ आप जैसे संजीदा मिजाज और धीरज के शख्स का होना बेहद जरूरी है। वादा कीजिए आप किसी भी सूरत में सुल्तान के साथ रहा करूंगा। आप बेफिक्र रहे बेगम साहब, आपने उस बंदे पर जिस यकीन से जिम्मेदारी सौंपी है उसकी मैं तहे दिल से कदर करता हूँ। ये आपकी जरा नवाजी है और मेरी खुशनसीबी। अब देखिए ना, पता नहीं आइनुल मुल्क और शेख इमामुद्दीन के बहाने क्या करने पर आमादा है। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा, नसीहत करने वाला मैं कौन, फिर भी आपकी मेहरबानी के भरोसे एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ। वजीर आजम से मुझे कोई रंजिश नहीं है, लेकिन उनका सुल्तान पर जो असर है उसके ख्याल से कभी कभी मेरी रूह कांप जाती है। चंद रोज और इंतजार करूंगी, लेकिन अगर बात बर्दाश्त की हद से बढ़ गई तो उसकी ऐसी दुर्गति करूंगी कि खुदा भी उसे पना नहीं देगा। मेरी तल्ख बातें सुनने पर आपकी ये बेकरारी सर्द पड़ जाए, क्योंकि मैं ऐसा शख्स नहीं हूं कि आपकी मौजूदगी से खौफ सदा होकर
शीरी जमा बन जाओ। हमें मालूम है शेख, आपकी साफ गोई की शोहरत पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है। जाओ वजीर साहब को हमारा हुक्म सुना दो कि वो अपने तमाम मुसाहिबों के साथ यहां अभी हाजिर हो और शहर के सारे अमीर उमरा भी यहां फौरन मौजूद है। नहीं सुल्तान, हम इस हुक्म की मुखालफत करते हैं। हुक्म के जोर से हाजिर होने वाले तमाशाई हमें नहीं चाहिए। तो कब तक इंतजार किया जाए? आखिर ऐसी बदतमीजी क्यों? कहते हैं कि मेरी शक्ल सबाहत आपसे मिलती है, लेकिन मिजाज और फितरत में किस कदर फर्क है। अगर आपके हुक्म से गुलाम ही आपके जलसे में आने वाले हों तो मेरा यहां तक आने का मकसद ही खत्म हो जाए। मुझे ऐसी आवाम चाहिए जिसमें कुव्वते फैसला हो, जो आपकी हुकूमत का तख्ता ही उलट दें। मुमकिन है कि हमसे कभी ना समझी हुई हो, लेकिन हमारा दावा है कि अपना फर्ज अदा करने में हमने लापरवाही कभी नहीं बरती। लेकिन आपने गैर जानबदारी और इंसाफ पसंदी की आड़ में न जाने कितने सैयद इमामों और आलिमों को मौत के घाट उतार दिया। मजहब का दायरा छोड़कर उन्होंने सियासत में दखल देने की जरूरत की थी। मजहब को मेरी सियासत से क्या वास्ता? मेरी सल्तनत महज मेरी नहीं, रियाया की भी है। हाँ, वहां गंदगी जरूर है, अगर जब इंसानों की पैदा की हुई गंदगी को साफ करना है तो अल्लाह का नाम लेकर क्यों चीखूं? क्योंकि वही कारसाज है। अल्लाह का पाक कलाम ही दुनिया की गलाजत को साफ करने में मददगार साबित हुआ है। खुदा का करम है कि उसने आपको तमाम हुनर बख्शे हैं। रोशन दिमागी, कुव्वते बाजू, शाही इख्तदार जैसी आला तरीन खूबियों से आप माला माल हैं। क्या खुदा की इनायतों का आप सिला नहीं देंगे? घुटनों के बल रेंग कर फासला तय नहीं किया जाता है शेख साहब। घुटनों के बजाय मैं पंजों पर चलना चाहता हूं। इतना गुरूर अच्छा नहीं सुल्तान। आपका यह सोचना गलत है कि आपको अल्लाह के पैगाम के अलावा भी इल्म हासिल हुआ है। ऐसी नादानी से बाज आई आप इंसानियत की हद पार करके खुदा बनने की कोशिश में हो। काफिर हो जो खुदा बनने की कोशिश में हो। मैं तो परवरदिगार का नाचीज गुलाम हूं। गुलामों ने भी अक्सर आका बनने की जुर्रत की है सुल्तान। आपका तंज मैं समझता हूं मुअज्जम। मेरे दादा गुलाम थे, वालिद सुल्तान हो गए, मगर ये सियासत का खेल है शेख साहब। मजहबी और सियासी वजूदों को मुख्तलिफ मानकर आप बचाते खुद एक कश्मकश को दावत दे रहे हैं सुल्तान। अगर कश्मकश बढ़ गई तो उनमें से एक को यकीनन खत्म होना पड़ेगा। मौजूदा कश्मकश से मुझे कोई निजात नहीं दिला सकता, लेकिन हाँ, इस कश्मकश से मैं अपनी सल्तनत, अपनी रियाया को जरूर बचा सकता हूं। इसलिए मुझे सिर्फ अपने आप का ही पूरा भरोसा करना होगा। वाकई आपकी दानिशमंदी बेनजीर है। आप शायद इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उठा लें, लेकिन आपके बाद जो तख्त नशीन होगा उसमें यह सिफ्त कहां से आएगी? आप जैसा जहीन शख्स और कहां मिलेगा? कहां है आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले जानशीन? कहीं नहीं। इस सहन की मानिंद सब सूना मौसम। हमने सुना था कि आपकी जोशीली तकरीर सुनकर कानपुर की आवाम इस कदर बरहम हुई कि बगावत की मशाल लेकर उन्हीं ने हमारे हाकिमों की कयाम गाहों को जला डाला। मगर आज दिल्ली मस्जिद के इस वसी सहन में एक परिंदा तक नहीं फटका। ऐसा क्यों? शेख मोजम की तकरीर की जब शाही मुनादी कराई गई तो अहले दिल्ली का माथा ठनका। सियासत की करामात, दिल्ली के लोगों को आपकी सदाकत, आपकी नेक नियति पर शुभा हो गया कि आखिरकार जो शख्स सरेआम सुल्तान की नुक्ताचीनी करेगा उसके लिए सुल्तान की तरफ से मुनादी क्यों कराई गई? सनूखे तरीके ने सबको
खौफ जदा कर दिया। उन्हें यह एहसास होने लगा कि होना हो ये तो जरूर सुल्तान के दुश्मनों को खोज निकालने की महज एक चाल है, पर इस चाल में हजरत की हैसियत माफ कीजिएगा सिर्फ एक मोहरे की है। तो क्या आप पहले से संजाम से वाकिफ थे? जी नहीं, लेकिन खयास था, तभी हमने ये तजुर्बा किया। तजुर्बा? लेकिन अब मेरा क्या हश्र होगा? अब कयामत तक ये शक मेरे पीछे लगा रहेगा। भोली भाली आवाम जो मुझे अकीदत मंदी से देखती थी वो मुझे आपका कठपुतला समझे। अब तो आप जान ही गए होंगे कि आवाम की मजहबी अकीदत की जड़ें किस कदर कमजोर है। आपका तजुर्बा कामयाब रहा सुल्तान, खूब सबक दिया मुझे आपने। अब इसी सबक को अमली सूरत देने की कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज़। कहाँ जा रहे हैं शेख इमामुद्दीन? आपकी हुकूमत की बदइंतजामी को दूर करने के इरादे से मैंने मौजूदा राह अमल को इख्तियार किया था, लेकिन आज मैं बिल्कुल नाकारा साबित नहीं। शेख साहब, दलाल आप ही हमारे लिए कारामत शख्स हैं। मजाक बड़ा तकलीफ दे है सुल्तान, आप हमें इजाजत दें। शेख मकर, अवध के अमीर आयनुल मुल्क ने दिल्ली पर चढ़ाई करने का फैसला किया है। अपनी अजीम तरीन रियाया की सलामती की खातिर हम अमन चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, लेकिन उल मुल्क को हमारे इरादों पर कैसे यकीन होगा? वो आपकी ताजीम करता है, आपकी नेक नियती पर उसे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं आपसे इल्तजा करता हूं कि आप हमारे पैगाम रसा की हैसियत से सुलह के इस नेक काम को अंजाम दें। अपनी खातिर नहीं बल्कि उन तमाम बेकसूर मुसलमानों की खातिर जो बिला वजह मुसलमानों के हाथों मारे जाएंगे, मैं ये जिम्मेदारी आपके सुपुर्द करता हूं। मैं यकीन करूंगा कि इसके पीछे कोई सियासी चाल नहीं है। यकीनन नहीं है शेख साहब। तो हमें कोई एतराज नहीं। वाकई? हाँ। आप हमारे पैगाम रसा की हैसियत से उल मुल्क के पास जाने के लिए राजी हैं, इसे हम आपका कौल तस्लीम करें। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ अजीज साहब के यहां से एलचियों के लायक शाही लिबास लेकर आओ। शाही लिबास पहले से ही तैयार रखा था। हमें पूरा यकीन था कि हालात की संगीनी को देखकर आप इस जिम्मेदारी से इनकार नहीं करेंगे। अगर आयनुल मुल्क भी मुझे आपका ही एक मोहरा तस्लीम करे तो? वो अहले दिल्ली की मानंद अहमक नहीं, हमारी फितरत और तबीयत से वो अच्छी तरह वाकई। हमें कुछ ही देर में यहां से कूच करना है। उलमुल्क पहले ही अपनी फौज लेकर रवाना हो चुका है। हमें कन्नौज के करीब उसका मुकाबला करना है। जब आपको जंग करनी ही नहीं है तो मुकाबले की जगह की पाबंदी के माने? ये सच है शेख साहब कि हम खून खराबा नहीं चाहते, मगर कहीं उलमुल्क की ललचाई हुई नजर दिल्ली के शाही तख्त पर जमी हो तो हमें आगे बढ़कर उसका मुकाबला करना ही है। हम सुल्तान हैं शेख मुअज्जम, अपनी सल्तनत और रियाया की सलामती हमारी जिम्मेदारी है। सुल्तान, मैं इतनी देर बाद समझ पा रहा हूं कि आप में इस कदर खुदएतमादी क्यों है। अब तो आप ये शाही लिबास पहनने के लिए रजामंद है। सुल्तान, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इसके पीछे कोई सियासी चाल नहीं। शेख साहब,
सुनो शहर दिल्ली के बाशिंदो, नायब सुल्तान शहाबुद्दीन का ताजा फरमान सुनो। सुल्तान ने बागी आंगल मुल्क के साथ सुलह करने की जो जो तदबीरें इख्तियार की थी सब बेकार साबित हो गई। नतीजा यह है कि सुल्तान को कन्नौज के मैदान जंग में बागियों का मुकाबला करना पड़ा। एहसान फरामोश आइनुल मुल्क अब हमारे मेहरबान सुल्तान के हाथों गिरफ्तार हो गया है। मौजूदा फतह आबी की खुशी में आज शाम बड़ी मस्जिद में इबादत की जाएगी। इस इबादत में तमाम अकीदतमंद मुसलमान शरीक हो और अल्लाह ताला के हुजूर में नमाज शुक्रगुजारी अदा करें। सुनो 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 शहर दिल्ली के दरियाफ्त करना था मुअज्जम की मौत का तसव्वुर भी करते हैं तो रूह कांप जाती है। किस कदर बदशक्ल हो गई थी उनकी लाश। हुजूर शेख की मौत की वजह से आपके गमगीन, उनकी मौत का बायस सरदार आइनुल मुल्क का क्या किया? उसे मौत के घाट नहीं उतारा? उसे मैंने आजाद कर दिया। आजाद कर दिया? उसकी बेवफाई पर इनाम अदा किया? सुल्तान जैसी हस्ती के लिए यही वाजिब था। अपने इंसाफ पसंदी से सुल्तान ने साबित कर दिया है कि दोस्ती सियासत से ज्यादा अजीज है। फिर वही राग। मुल्क को न केवल मैंने आजाद कर दिया बल्कि अवध का राज भी उसे वापस कर। अगर खुद तबाही को दावत देना चाहें तो हमारी क्या मजाल है हुजूर की हम कुछ कहें? ऐसा कौन सा बड़ा काम उसने किया था जो उसके साथ इस तरह सुलूक किया गया? एक लंबी दास्तान है। कन्नौज जाने से पहले जिस शतरंजी मसले का हल हासिल किया था उसने एक भूल रह गई। उलमुल्क ने लम्हों में हमें वो भूल दिखा दी जिसका हमें जरा भी नहीं, जिसने हमने उसकी सारी सियासी गलतियों को माफ कर दिया। वाकई आप बुलंद हैं हुजूर। और तुम नेक दिल हो गर्मी। आखिरकार नेक दिली की ही कद्र होती है। अब हम रुखसत होते हैं। शहाबुद्दीन आज ही शहर भर में मुनादी करवा दो कि शेख साहब की शहादत के बोझ से निजात हासिल करने के लिए सब लोग आज शाम को परवरदिगार से दुआएं मांगें। उनकी शहादत का बोझ दिल्ली पर क्यों नाजिल होगा हुजूर? करनी शेख जैसे मर्दे खुदा की मौत हो और हम लोग जिंदा रहे, यही गुनाह है। अब हम जाएंगे। शहाबुद्दीन भी चंद लम्हों के लिए फरारत महसूस करें। सुल्तान की संजीदगी की क्या वजह है? तुम्हारे सुल्तान इस हद तक धोखेबाज हो सकते हैं ये मैंने काबले भी नहीं सोचा। एक ओर कत्ल कराते हैं और दूसरी ओर उसी कत्ल को शहादत का रंग देते हैं। कत्ल किसका? शबक रहे हो? हाँ मैं बक रहा हूं। मैं खपती हूं ना,
गलत मत समझो रतन, तो कई बार तुमसे कह चुका हूं कि बिला वजह सुल्तान की शिकायत करना सरासर नाजायज है। आखिर कोई वजह भी तो हो। अब हिंदुओं की तरक्की और भलाई के लिए सुल्तान ने क्या नहीं किया? नफरत के इस जोश में इस सच्चाई को भी नजरअंदाज कर दोगे? यानी तुम्हारे नुक्ते नजर से सुल्तान बेदाग किसी भी वारदात के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, तो फिर शेख इमामुद्दीन के मौत का कौन जवाब दे? साफ साफ क्यों नहीं बताते हो शेख मोहतरम के साथ क्या वारदात हुई? शेख मोहतरम साइनुल मुल्क के साथ सुलह कराने के इरादे से अपने मुकाम से रवाना होने वाले थे। दस्ते की पहली कतार में रहने के लिए मुझे हुक्म दिया गया। मुझे एहसास था कि अगर जंग छिड़ जाती तो दस्ते की पहली कतार ही यकीनन खत्म होती। शेख इमामुद्दीन हाथी पर सवार थे और बिला शुबह दूर से शेख मुअज्जम वो चाहते खुद सुल्तान ही लगते थे। क्या सब सुल्तान अपने खेमे में थे? नहीं, वो 4,000 की फौज लेकर नजदीक के पहाड़ के पीछे छुपे खड़े थे। छुपे हुए? शेख इमामुद्दीन हमारे दस्ते के आगे आगे ऐनुल मुल्क की फौज की तरफ बढ़े। उनका हाथी उल मुल्क की फौज से 500 गज के फासले पर खड़ा हुआ। शेख मोहतरम हाथी के हौदे पर खड़े होकर ऐनुल मुल्क को कुछ बताना चाहते थे कि एकाएक हमारी तरफ से किसी ने जंगी तुरही बजा दी। इसी को इशारा मानकर मेरे इर्द गिर्द खड़े सिपाहियों ने दुश्मनों पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। जंग छिड़ गई, लेकिन शहाबुद्दीन जंगी कार्रवाइयां पहले हमने शुरू की थी, उल मुल्क ने नहीं। और सुल्तान कुछ समझ नहीं पाए। शेख की तरफ निगाह उठाई तो परेशान सूरत शेख चिल्लाने लगे, रुक जाओ रुक जाओ। मगर नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? ये कहे सुल्तान को बचाओ कहकर एक साथ कई चीखें सुनाई पड़ी। शेख मोहतरम पहले की तरह बेहिस खड़े थे और मुसलसल तीरों की बौछार उनके जिस्म को बींधे जा रही थी। फिर देखते देखते शेख मोहतरम का जिस्म हाथी के हौदे पर से नीचे जमीन पर धड़ाम से आ गए। हम लोग घबरा कर तिधर बितर हो गए, बेतहाशा पीछे की तरफ भागने लगे। और सुल्तान ने कोई कदम नहीं उठाया? हाँ, जरूर उठाया। सिपाहियों ने यही समझा कि खुद सुल्तान मारे गए। अंधे दुश्मन फतह का नारा लगाते हमारे दस्ते का पीछा करते हुए मैदान जंग की सरहद तक बढ़ाए। उधर पहाड़ के पीछे सुल्तान बदस्तूर अपने 4,000 सिपाहियों के साथ मुस्तैद खड़े थे। अब दुश्मनों की फौज तबाही के जाल में फंस गई। जंग खत्म होते होते दुश्मनों की 3/4 फौज का सफाया हो चुका था और हम फतहयाब हो गए। क्या अब भी सुल्तान को गुनहगार मानने से इनकार करोगे? बड़ी उम्मीदें लेकर उस दिन शेख मोहतरम दिल्ली आए होंगे। उनको यकीन रहा होगा कि अहले दिल्ली उनको सुनेगी, मगर किसी को भी उस जलसे में पहुंचने की फुर्सत नहीं मिली। अगर चंद शख्स भी उस जलसे में शरीक होते तो एक खौफनाक हादसा कभी ना होता। यानी अंदरूनी हरकतों से आप बिल्कुल वाकिफ नहीं? अंदरूनी हरकतें? हाँ, शरीफ शहाबुद्दीन जिस रोज शेख इमामुद्दीन की तकरीर होने वाली थी उसी दोपहर को सुल्तान के फौजी घर घर जाकर धमकियां दे रहे थे कि जो भी जलसे में शरीक होगा उसके लिए नतीजा अच्छा नहीं होगा। सुल्तान फौजियों की इन हरकतों से वाकिफ थे? यकीनन थे। सुल्तान ने फौजियों को खुद हुक्म दिया था कि जलसे में पहुंचने की हर कोशिश को नाकाम कर दिया जाए। अब तो समझ गए होंगे कि सुल्तान की गैर हाजिरी में तुम्ही को यहाँ क्यों बुलाया गया, जबकि गुज़िश्ता मौकों पर दिल्ली के उमरा ही सब कारोबार संभालते थे। इसीलिए तो सुल्तान ने तुम्हारा एतबार किया। दिल्ली के बाजू में ताजिर इमाम वगैरह फिलहाल पोशीदा तौर पर कोई तजवीज करना चाहते हैं। सुल्तान की नाकाबिले बर्दाश्त हरकतों हमेशा के लिए खत्म करने की तदबीरें निकाली जा रही। शाही हुक्म है कि नमाज के वक्त हर फौजी सिपाही भी लाजमी तौर से इबादत करे और इबादत के वक्त कोई भी हथियार पास न रखे। खुद सुल्तान उस वक्त गैर मुसल्लह होंगे, उसी वक्त हमला करना होगा। क्या कह रहे हो रतन?
जिस रोज मालूम हुआ कि सुल्तान ने जंगी दस्ते की पहली कतार में भिजवा कर मुझे मरवा डालने की साजिश की है, उसी रोज से कई अमीर उमरा मेरे पीछे पड़े। आज ही एक अमीर ने अपनी खुफिया बैठक में आने की दावत दी है, मुमकिन हो तो तुम्हें भी साथ लाने को कहा। बोलो चलोगे? आप दोनों इस कदर खामोश क्यों? क्या इल्मे दीन पर तकरीर की जाए? जी सुल्तान का इकबाल बुलंद रहे, दरबारे खास के लिए उमरा जाते पाक की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। हासिल हो अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। आइए आइए तशरीफ लाइए। तशवीश हो रही थी कि कहीं आप लोगों की आमद में देरी ना हो। क्यों हुजूर? आज दरबार की कार्रवाइयां जल्द खत्म करनी है। हमने इमाम को कहला भेजा है कि आज की नमाज के लिए हम मस्जिद आ रहे हैं। आप लोगों को कोई खास सलाह मशवरा करना है? ऐसा कोई जरूरी मसला पेश नहीं है हुजूर। हाँ हुजूर। अच्छी बात, लेकिन हम दो मामलों के मुतालिक आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं। हमने अब्बासी गयासुद्दीन मोहम्मद को अपने दरबार में आने के लिए दावतनामा भेजा है। ये कौन हजरत है हुजूर? ख्याल नहीं होता कभी ये नाम भी सुना हो। खलीफा अब्बासी खानदान के नुमाइंदे। ये तो बड़ी खुशखबरी आ रही है। खलीफा खानदान के मर्द मुजाहिद हमारे मुल्क में तशरीफ ला रहे हैं। खलीफा की हा के पा की बदौलत शायद हमें वो सुकून हासिल हो जिसकी हमें अरसे से तलाश है। लेकिन खलीफा के नुमाइंदे दिल्ली तशरीफ नहीं फरमाएंगे, तशरीफ लाएंगे दौलत आबाद। अलीजा मेरी एक दरख्वास्त है, दारुल सल्तनत के तबादले की तजवीज को अब तक कर दे। दिल्ली की आवाम में इससे बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है। शहाबुद्दीन, जब तक हम दिल्ली में रहेंगे तब तक सल्तनत को खतरा रहेगा। अगर दारुल सल्तनत मुल्क के मरकज में हो तो हुकूमत की कार्रवाइयां बड़ी आसानी से अंजाम दी जा सकेंगी। और हाँ, आइंदा हमारी सल्तनत में चांदी के सिक्कों के साथ साथ तांबे के सिक्के भी जारी होंगे। तांबे के सिक्के? हुजूर वो किस काम आएंगे? जिस तरह चांदी के सिक्के काम आते हैं, एक तांबे का सिक्का एक चांदी के सिक्के के बराबर होगा। तांबे की कीमत चांदी के बराबरी कैसे करेगी? नहीं, यहां तांबे चांदी की कीमतों पर बहस नहीं करनी है। हमारे सामने सिर्फ सिक्कों का मसला है। सिक्का महज कीमत का पैमाना है जिसकी कोई जाती कीमत नहीं होती। कीमत होती है शाही कानून की, शाही मोहर की। ये बात महज कीमत की नहीं बल्कि अकीदत की है। लोग जब पत्थर के टुकड़े को भी अकीदत की नजर से देखते हैं तो उसे खुदा तक तस्लीम करने को तैयार होते हैं। उसके लिए शानदार इबादत गाह बनाते हैं, खुद दिल्ली बंजर जमीन पर सो जाते हैं। मैंने कहा नहीं था कि सुल्तान यकीनन खपती हो चुके हैं? कहना दूसरी किस बात पर हो रही है अभी? कुछ नहीं आलिजा, मैंने अर्ज किया कि ये बात बड़ी मुश्किल से लोगों के पल्ले पड़े। दिल्ली सी ही बात है तो साफ क्यों नहीं कहते? सुल्तान सलामत रहे, नमाज का वक्त हो गया हुजूर। हम लोग आज यही नमाज पढ़ेंगे। रो
तुम्हें कैसे पता लगा? हकीकत सुनोगे? आज शाही महल के चिट्ठी रसा ने एक अजीब खत हमारे हवाले किया। बाकी खतों में हमारे लिए महज खाली गलौज ही लिखा था, और एक खत में आप लोगों की आज की साजिश की तफसील दर्ज थी। ये तो हम कोई खत नहीं पढ़ते, मगर ये खत एक और ही बात के लिए इतना अहम था, क्योंकि ये उमनाम नहीं था, लिखने वाले का नाम खत में साफ दर्ज था, रतन सिंह। क्या उसने ये भी दर्ज किया है कि उसने ऐसा क्यों किया है? नहीं, वजहों की क्या कमी। उसने शायद इसलिए ऐसा किया होगा कि तुम्हारे वालिद ने उसके वालिद को कत्ल करा दिया था, और फिर तुमने उसके साथ बिरादराना सलूक करके उसके भीतरी दुश्मनी के जज्बे को बेकार बनाने की कोशिश की। हमने उसके लिए अपने सिपाहियों को भिजवाया था, मगर वो फरार हो चुका है। अब हम एक सवाल पूछ सकते हैं, शहाबुद्दीन, आखिर तुम भी क्यों मेरे खिलाफ बागी हो गए? ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने? क्यों का कोई जवाब नहीं। अगर मैं बताऊंगा भी तो तुम उसे समझ नहीं सकते। हम समझ नहीं सकते या तुम समझा नहीं सकते? क्यों बेमतलब बातें बना रहे हो मोहम्मद? मुझे खत्म करने के लिए तुम्हारे हाथ नहीं उठते। सुनो मोहम्मद, तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ सकते। मैं कोई आयनुल मुल्क नहीं हूं कि ता जिंदगी सर झुकाए तुम्हारे रहमो करम पर पड़ा रहूं। लेकिन इस बगावत की आग को तुम दबा नहीं सकते। मेरे वालिद को तो तुम पर पहले ही एतबार नहीं था, अब तो सारा हाल मैंने मुफस्सिल बता दिया। बेकार जहमत उठाई शहाबुद्दीन, तुमने अपने वालिद को जो भी खत लिखे थे सबको रतन सिंह ने शाह सुल्तान के पास पहुंचा दिया है। मगर तुम्हारे सुल्तान मेरी मौत को कैसे दबा सकेगा? मेरी रूह की आवाज को कोई कत्ल नहीं कर सकता, ये आग बढ़ कर रहेगी। तुम चाहे मुझे कत्ल कर दो, लेकिन तुम्हारी तबाही भी लाजमी है। रब से तेरा किस्सा पाक किया जा सकता है, लेकिन मुझे कत्ल कर दो मोहम्मद।
सुल्तान को मर चुका है। ऐसा क्यों होता है भट्टी, जिन पर हम यकीन करते हैं आखिर वही लोग बागी क्यों हो जाते हैं? तवारीख की एक ऐसी उलझी हुई बहेली है, क्या हमारी हुकूमत का यही अंजाम होगा कि वो रात की तारीखी को चीर कर खो जाने वाली खौफ सदा चीख बन कर रह जाए? अजीब साजिश में शरीक तमाम लोग सूली पर चढ़ा दिए जाएं, कल सुबह तक उनकी लाशों में भूस भरकर उन्हें शाही महल के आगे लटका दिया जाए, रात रोज तक वो इसी तरह टंगी रहे, आवाम को यह अच्छी तरह मालूम हो जाए कि बागियों की क्या सजा होती है। कल ही शहर भर में मुनादी करवाओ कि शाही महल में एक नाकाम दंगा हुआ जिसमें बाज़मीनों ने इबादत करते हुए सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वफादार शहाबुद्दीन ने अपनी जान पर खेल कर सुल्तान की जान बचा ली और सुल्तान की सलामती की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अली जान, इस वाकियात को पोशीदा रखने के वास्ते यह जरूरी है कि यहाँ पर तैनात हर सिपाही का मुंह बंद कर दिया जाए, उस सूरत में शायद लाशों का अंबार लग जाए, लेकिन आप बेफिक्र रहे, हमारे पास असूलियों की कमी है ना जगह की, सिर्फ आपके हुक्म की देर है। और भी दो काम अंजाम देने हैं नजीब, फौरन ऐलान कराओ कि दिल्ली की रियाया दौलताबाद जाने के लिए तैयार हो जाए, एक महीने के अंदर अंदर तमाम दिल्ली खाली हो जाए, अब कोई भी यहां हमारे रहमो करम से फैजयाब नहीं होगा। ऐलान कराओ कि दिल्ली के किसी भी घर की खिड़की से रोशनी नजर ना आए, किसी भी घर की चिमनी से धुआं ना निकले, ये दिल्ली वीरान हो जाए, तभी मुझे तसल्ली होगी। या खुदा, अहले दुनिया को सलामत रख। खुदा की इबादत अभी कर लो बरनी, फिर मौका नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधी थी कि तख्त नशीन होंगे तो मिसाली हुकूमत कायम करेंगे, चाहते थे हमारी सल्तनत में हर काम एक इबादत हो, हर इबादत इल्म की एक सीढ़ी और हर सीढ़ी खुदा को पाने का जरिया, लेकिन यहां इबादत में भी सियासत की बू आती है बरनी। इस नापाक इबादत को ही जिलावतन कर दूंगा। नजीब, अब से हमारी सल्तनत में इबादत बंद हो जाए, ऐलान कराओ कि आज से इबादत करने की सजा मौत है, इबादत की काबिलियत हम खो चुके हैं, सबको खबरदार करो कि आइंदा इबादत की घड़ी मुल्क की शाहराहों में खामोशी ओढ़े आए और बगैर अपना निशान छोड़े चली जाए। लेकिन खुदावंद, इससे सैयदों और इमामों को बगावत करने का एक बहाना मिल जाएगा। ऐलान करा दूंगा कि खलीफा गियासुद्दीन अब्बासी की मुबारक आमद तक मुल्क में इबादत नहीं होगी। नहीं बरनी, लाश खुली रहे, जख्मों से गुलार ये हसीन जिस्म सबको देखने दो,
अरे भेजो, अरे जल्दी भेजो, क्या कर रहे हो? जल्दी भेजो, हाँ आया, जाओ ना फिर, चलो, हाँ बताओ, सुनाई, चलो ये, चलो, चलो, भाई तेरे भाई तेरे, चलो, 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 हाँ तेरी तेरी, चलो, हाँ कहाँ जल्दी, हाँ बताओ, चलो, हाँ, चलो फिर, चलो फिर, चलो, 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 समझ में नहीं आ रही बात क्या? किसी को भी इधर उधर मत जाने दो। वादा करती हूँ कल ही मैं वापस आ जाऊंगी। मेरी कसम ले लो, बच्चे की कसम ले लो, मुझे जाने दो वरना बच्चा मर जाएगा। तुम वाले को एक दिन की इजाजत दे दो, बच्चे को जल्द से जल्द औलिये को दिखा लाऊंगी। औलिये को दिखा लाऊंगी। एक काम करो, उस खेमे में जाओ, वहां हकीम बैठे हैं, जो भी जरूरी है दवा दारू करेंगे। जाओ निकलो, जाओ निकलो, चलो औलिया के पास जाने दो हुजूर। अच्छा सुनो, हमारे जो बड़े कारिंदा है ना, उनको दो तीन अशरफिया चढ़ा दो, सब काम बन जाएंगे। जाओ जाओ। लेकिन मैं अशरफी कहां से लाऊं सरकार? जो चार पैसे पास है अगर उन्हें भी दे दिया तो औलिया को कहां से दूंगी? अपना गुजारा कैसे करे? इधर मेरा आदमी भी बीमार पड़ा है। वो फिर कुछ नहीं हो सकता, हर किसी नहीं हो सकता। चलो जाओ यहाँ से, निकलो, जाने दो। हाँ, समझ जाएगी बात क्या? हाँ, चलो। अरे, अरे, चलो। सबसे दिमाग खराब किया हुआ है? बच्चा, 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 चलो यहाँ से निकलो। अरे यार, इस कदर समझे लो, जाने क्यों नहीं देते? बेचारी रो रो कर कह रही है उसका बच्चा मरा जा रहा है जी। क्या धोलिया कुछ कर दे? तुमने देखा है बच्चे को? है? मैं बच्चे की बीमारी से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मेरा छोटा भाई भी ऐसी बीमारी का शिकार था। लाख कोशिश करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हरामजादा औलिया, ये सेहत में करके पैसा अपने एंटी में भर लेगा, बच्चा तो बचेगा नहीं। तो फिर औलिया को क्यों मिले पैसा, हम ही क्यों ना ले? और अगर हम भी नहीं लेते तो पैसा और आपके पास ही रहने दो। यार हद करते हो, जरा से दो तीन पैसों के पीछे पड़े। कान खोल कर सुन लो आजा, तीन चार रोज में तुम्हें पता लग जाएगा ये एक एक पैसे की क्या कीमत है। समझे? कौन कौन बचा है? तीन घर और नहीं है। शाम होने से पहले इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। नाम बताओ, कितने लोग हैं? सात लोग वाले। पानी चलो आगे, पानी चलो, 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 पानी चलो। अगर दौलत के इश्क दर लालच हो तो मुझे बताओ ना, अभी जाकर किसी ईमानदार मुर्गे पर हाथ साफ कर दो। गलती से भी यहाँ चोरी मत कर लेना, अगर कहीं फंस गए ना तो हमारी किस्मत ही चौपट हो जाएगी। चोरी करते अगर रंगे हाथों पकड़े भी गए तो हाथ ही तो कटेंगे, तब भीख मांग के गुजारा कर लेंगे। तुम्हारी अक्ल पर मुझे तरस आता है, इतने रोज दिल्ली में रहे फिर भी चोरी की हद से आगे नहीं बढ़े। चोरी कर मुझे देखो, दिल्ली में गुजारे इन तीन महीनों में मैं जादू सीख गया। सी या सत, सियासत, क्या जादुई दुनिया छिपी है इन चार हरफों में। सच कहता हूं आजम, ये दुनिया ना सिर्फ अक्लमंदों के लिए होनी चाहिए थी,
मगर अफसोस कि अमकों से भरी पड़ी है। खुदा बचाए तुम्हारी सियासत से। चोरी में अगर कुछ खाता हो तो सिर्फ हाथ कटेंगे अजीज, मगर इस सियासत में सर की खैर नहीं। सर की खैर चाहते हो तो सर बचाने का हुनर भी जल। अपने सर को अपने जिस्म से इस दूरी पर रखो कि वो हमेशा 6 कदम आगे रहे। 6 कदम? हाँ, ताकि अगर तुम्हारे पीछे वाले की लाश भी गिरे तो वो तुम पर ना गिरे। हाय मेरा बच्चा। बच्चा बच्चा चल बसा। अजीज, अब अगर दौलताबाद पहुंचने के बाद उसने तुम्हारे खिलाफ फरियाद कर दी, क्या जवाब दोगे? दिल्ली में मुझे खबर मिली थी कि सुल्तान चांदी के सिक्कों के बजाय तांबे के सिक्के चलाना चाहते हैं। एक तांबे के सिक्के की कीमत एक चांदी के सिक्के के बराबर ही तस्लीम की जाएगी। क्या सोच रहे हो? ये तो बड़ी बुरी खबर है। अब ये तांबे के सिक्के चुराने में क्या मजा आएगा? बुरी बात तो सुनो, दौलताबाद पहुंचते ही हम ये मुलाजिमत छोड़ देंगे और सिक्के बनाने का हुनर सीखेंगे। 1-2 महीने में इसके मुताबिक शाही फरमान का ऐलान होने वाला है, तब जुट जाना जाली सिक्के बनाने में। दौलत ही दौलत बटोरते रहोगे, समझ लो। बाकी लोग भी आ गए। आप आ गए भाई, माफ कर दीजिए मुझे। आप खड़े रहे आपके इंतजार में। वाली ला कहीं तो अबे साहब, कितना लगे? 7 चला तेरी से लो किया भाई। लो भाई, लो भाई, लो भाई, लो भाई, लो जी।
साखी माफ खुदावन, अनजाने में भूल हो गई। कोई बात नहीं, वो तुम्हारा फर्ज था। यहाँ के लिए नए हो? हाँ हुजूर, अब तक फौज में था, कल रात ही आया हूँ। तुम्हारी उम्र क्या होगी? 19 का हूँ हुजूर। उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतह करने के ख्वाब देखने की उम्र। मैं भी जब पहली मर्तबा दौलताबाद आया था तब 21 बरस का था। इसके लिए तामीर में लगा था एक रात। मैं अकेला ऐसी जगह पुराने किले के बुर्ज पर खड़ा था। करीब ही मशालची के हाथ में मशाल अपने सुनहरे पंखों को फड़फड़ा रही थी। किले का एक आधा बना हुआ गुंबद पूरे आसमान को अपने सीने में समो लेने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त यकायक कुछ हो गया, गोया किसी ने जादू कर दिया। मैं मशाल, आसमान, किला सब पिघल गए, एक हो गए। बाहर की तारीकी मेरी रगों में रच गई थी। चमकते तारों की टिमटिमाहट मेरी नब्ज में धड़क रही थी। लम्हे का दायरा टूट गया था, तमाम सवाल जवाब खामोश थे। मैं मिट्टी बना हुआ था, सब्जा बना हुआ था, धुआं था, आसमां था। तभी दूर से किसी पहरेदार ने आवाज दी, ओ शियार। और मैं होश में आ गया। अध जली मशाल, अध बना गुंबद, सब जुदा हो गए। कहीं ये मत समझना कि तुम्हारी नौजवानी से मैं रश करता हूं। जूझने के लिए अभी बहुत जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। मुझे देखो, मुद्दत बाद फिर यहां आया हूं। सी खोई हुई रात की तलाश में निकला हूं। दौलताबाद आए 4 साल हो गए, इस अरसे में यहां आकर मैंने क्या देखा? किले के बाहर भूत सा खड़ा हुआ ये बीहर जंगल। क्या सुना? जंगली सियारों की हूल, शहर के कुत्तों का शोर। 20 साल और गुजर जाए उस वक्त तुम मेरे बराबर के हो जाओगे और मैं तब इस जंगल के नीचे दफन रहूंगा। उस वक्त क्या तुम मुझे याद करोगे? खामोश क्यों हो? खुदावन मुझे माफ करे, मैं बिल्कुल नहीं समझा। नहीं समझा तो जिंदा क्यों हो? क्यों बेकार सांस लेते हो? क्यों हवा को नापाक करते हो? जाने दो, तुम्हारा क्या कसूर है? आखिर तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। जाओ, मेरी बातें भूल जाओ। अल्लाह ताला खुदावन सुल्तान को सलामत रखे। सुल्तान ने मुझे याद फरमाया। सारा मुल्क बदहाली की लपटों में झुलसा जा रहा है। तमाम कारगर काम धंधे चौपट हो गए। बस एक धंधा आज तरक्की पर है, वह है राय सिक्कों की जगह जाली सिक्कों को जारी कर। वह सल्तनत का हर घर जाली कारखाना हो। इन सबसे मैं कैसे निपटूं? क्या करूं? तमाम मुल्क महज बलाओं का घर बना हुआ है। एक बीमारी को रफा करता हूं तो दूसरी आ घेरती है।
खफा ना हो खुदावंद, आपने दरियाफ्त किया है इसीलिए चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। आप आलिम फाजिल, आपकी बुलंद ख्याली खुश बयानी सब सियासत के बियाबा में जाया हो रही, आपको तो आलिमों के बीच होना चाहिए था। मेरी राय में आप सल्तनत की बागडोर फिरोज शाह के हवाले कर दें और हुकूमत के जंजाल से निकल जाएं। अगर तदबीर इतनी सहल होती वरनी तो अब तक किस्मत आजमाई कर लेता। अंदर ही अंदर एक ख्वाहिश उभरती है कि इस कश्मकश को तोड़कर हज पर रवाना हो जाओ, रुआब के सामने अपनी जिंदगी बिछा दूं और रूहानी सुकून हासिल करूं। पर मैं अपनी बदनसीब रियाया को किसके भरोसे छोड़ दूं? मैं अपनी रियाया से जुदा नहीं हूं बरनी, ऐसी सूरत में तख्त छोड़ने का मतलब खुदकुशी भी करना है। अगर इन खूनरेज गिद्धों का यह टूटता था मेरे इतने करीब ना मंडराता, मैं जरूर कोई ना कोई तदबीर निकालता, घुटने कोहनी के बल रेंगता हुआ चला जाता। पर अब मैं क्या करूं? खौफ के मारे नींद की पलकें जवाब दे रही है, ना जाने मेरी रगे खून कब भट जाएगी। बरनी दोजख की ये पोशीदा ताकतें मुझसे इस कदर क्यों इंतकाम लेना चाहती हैं? क्यों ये खौफनाक शक्लें मेरे इर्द गिर्द मंडराती ही रहती है? मालिक जानते हो मेरी रियाया ने मुझे कौन सा प्यारा नाम अता किया है? सनकी सुल्तान। सनकी सुल्तान वही मैं किस तरह समझदार बनूं? खुदावंद, वो भी दिन थे जब आपके पास मोहब्बत और जिंदगी के बुलंद ख्याल थे, सुकून की शदीद तड़प थी, लेकिन अब सिवाय कत्लेआम के कुछ सोचते ही नहीं, जरा जरा सी बात पर सख्त सजा सुनाते हैं। ये बेरहमी अब बंद कर दीजिए हुजूर, अपने रूह के सुकून के वास्ते जो जो आपकी सल्तनत छोड़कर चले गए हैं, जो जिला वतन कर दिए गए हैं, उन सबको माफी बख्श दे, उन्हें वापस बुला ले। उसके बाद यकीनन मुल्क भर में अमन चैन और मजबूती पहले की तरह कायम हो जाएंगे। सुल्तान सलामत रहे, गजब हो गया हुजूर, वजीर साहब ने पैगाम भेजा है। क्या? वजीर आजम नजीब का खून हुआ है, अभी अभी उनकी लाश उनकी आराम का हमें बरामद हुई है। मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं चोर क्यों हुआ, और ना मैं भी आम इंसान की तरह घर बसाता मजे करता, मगर ये चोरी चकारी ले तुम बेवकूफ आजम हो। इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो गलती करनी चाहिए, लाजमी तौर पर, तभी उसकी खूबियां रोशन होती हैं। लेकिन जरूरी है कि सीढ़ी दर सीढ़ी काम किया जाए। सबसे पहले इख्तदार हासिल करना है, सुल्तान बनना है, तब ज्यादती सितम मौज मजा ऐशो आराम इन लफ्जों के खास मानी निकलने लगेंगे। मगर तुम सुल्तान बनने से रहे, ऐसे हवाई के लिए मत बनाए करो। फिक्र मत करो आजम, एक नुजूमी ने मुझसे कहा था। हाँ अजीज, नाना इन नुजूमियों के जाल में कभी ना आना, इनके बदौलत हमारे काका ने अपनी जिंदगी तबाह कर डाली। फिर छेड़ दिया अपने कुंदे का किस्सा? किस्सा नहीं दोस्त, हकीकत बयां कर रहा हूँ। जी हाँ, एक मर्तबा मेरे काका किसी एक नुजूमी के पास चले गए अपना हाथ दिखाने के लिए। नुजूमी ने ऐसी ऊंची ऊंची बातें कर दी कि काका अपने को बादशाह समझ बैठे, और अगले रोज अपनी बीवी को भी ले गए हाथ दिखाने के लिए कि बीवी की किस्मत में भी बेगम बनने की गुंजाइश है या नहीं। अब बेचारा नुजूमी अपने इल्म किस तरह का दरोते देख कर बोल पड़ा, काकी बड़ी औलाद वाली होगी, उसके 9 बच्चे होंगे। पर इस बात पर हमारे काका इस कदर बरम हो गए कि एक ही चुटकी में अपनी बीवी और उस नुजूमी दोनों का खात्मा कर डाला। क्यों? गलती उस आम नुजूमी की थी। अगर इतना बड़ा भुलक्कर था तो नुजूम का पेशा क्यों अख्तियार किया? क्योंकि पिछली मर्तबा खुद उसी ने काका के हाथ देख कर फरमा दिया था कि कुल 5 ही बच्चे होंगे। कितना चाहे ठाका मार लो आजम, एक बार अपने करीम खान को
करवाने दो, तब पता लग जाएगा कि मैं सुल्तान बनूंगा या डाकू ही रहूंगा। अजीज, ये ताकत की ओर क्यों हवस रखते हो? अब जैसी हालत है तुम काफी साहिब इकबाल हो। हाँ, मुल्क के सुल्तान ना सही पर डाकुओं के तो बादशाह हो। मुसाफिर राहगीरों को लूट लूट कर इतनी दौलत बटोर ली है, और भी बटोरी जा सकती है, मगर फिर भी लालच क्यों करते हो? इस तरह लोगों को चोरी छिपे लूटने में मजा नहीं है आसम, लूट के माने लूट ही रहते हैं, उसमें उसमें खास माने तब आते हैं जब जब सबके सामने खुल्ला खुल्ला लूट खसोट की जाए और लोग कहे कि ये हुकूमत है। शतरंज का खेल जानते हो आसम? शतरंज में एक प्यादा होता है, सबसे कमजोर, हमेशा टेढ़ी चाल चलता है, उसकी ना कोई सिफ्त है ना रुतबा, फिर भी अगर कहीं मार खाए बिना सात कतारों को पार करके आठवीं में कदम रख दे तो घुड़सवार से लेकर वजीर तक कुछ भी बन सकता है, यानी कि सीधे बादशाह की नाक के नीचे पहुंच सकता है। अब मैं भी उस प्यादे का रास्ता क्यों ना अख्तियार कर लूं? यानी तुम्हारे मंसूबे सुल्तान बनने के? आहा, तब मेरी क्या हैसियत होगी? मैं दरबार के अमीर बन जाऊंगा। नहीं दोस्त, नहीं लगता है कि जोर से ऊंचा रुतबा मुझे हजम ही नहीं होगा। अगर तुम्हारे मंसूबों में ही कंगाली भरी है तो कोई क्या कर सकता है? जो हिदायत दी थी वही शख्स है। हाँ हुजूर, ठीक है, फिर जरूरत पड़ेगी बुलवा लूंगा, ठीक है। आए गुजले रोज कर। ये कौन सा जानवर है? तो पहले खोलो इसे। किसी और को पकड़ लाया है। हमने तुम्हारे उसाजी को साफ साफ बताया था कि हम कौन है, फिर भी उसने बदतमीजी की। सुल्तान को ये बात मालूम हो तब देखना तुम सबकी चमड़ी ना उधेड़ दी जाए तो मेरा नाम नहीं। सुल्तान, मैं माफ करें हुजूर, वो तो मैंने किसी मालदार को पकड़ लाने की हिदायत दी थी, वो गलती से करीम खान आपको पकड़ लाया है, लेकिन गुस्ताखी ना माने हुजूर आपकी तारीफ। हम गयासुद्दीन अब्बासी है, खलीफा खानदान के नुमाइंदे है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मेहमान है। हमें माफ कर दे हुजूर। तो गलती हो गई हुजूर। बेशक गलती है, खफा ना हो जनाबे आला, वो गलत फहमी इसीलिए हुई कि शाही मेहमान होते हुए भी आप इस तरफ अकेले अकेले। वो सारी तफसीलें हम तुझे क्यों दे पे हो? हम अकेले हैं तो क्या हुई? सिर्फ सुल्तान को खबर करने की देर है, जो ही सुल्तान को हमारे आमद की इत्तला मिलेगी फौरन उनकी नुमाइंदे दौलताबाद के करीब पहुंच जाएंगे और हमारे इस्तकबाल करने के वास्ते महादब तैयार रहेंगे। तो हम ही हमें इजाजत दे कि हम भी आपके साथ चलें और बाहिफाजत आपको दौलताबाद पहुंचा दें, इससे कम से कम इतनी तसल्ली हो जाएगी हुजूर की हमने अपनी गलतियों की इसलाह कर ली। हुजूर, चोर होने के बावजूद लगता है कूचा तक शराफत से भी वाकिफ हो। ठीक है, हमें भी सही रास्ता मालूम नहीं है। इसके अलावा ये हिंदुस्तानी गैर मुल्क वालों को बड़ी हकारत से देखते हैं। तो इसका मतलब आप पहली बार यहां तशरीफ लाए हैं हुजूर? सुल्तान से पहले मुलाकात नहीं हुई? नहीं। और इससे क्या फर्क पड़ते हैं? ये इजाजतनामा, ये अंगूठी तो है जो सिर्फ खलीफा खानदान के नुमाइंदे पहनते हैं, और किस चीज की जरूरत है? तो आपका मतलब है कि बिना इजाजतनामा और अंगूठी के कोई यहां आपको पहचान नहीं सकता? हाँ, नामुमकिन ही समझो। और लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या बस गया, एकदम बस गया आजम। मुझे खबर मिली थी कि जनाबे आला यहाँ मौजूद है, इसी वास्ते करीम खान को भिजवाया था। क्या बक रहे हो, क्या मतलब है इसके? बस चंद लम है यार, उसके बाद हर मतलब बेमतलब साबित होगा। या अल्लाह,
ये क्या मेरा कत्ल करोगे? क्यों करोगे? मेरे कत्ल से तुम्हें क्या हासिल होगे? सुनो, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, जो भी होगी तब होगी जब सुल्तान अदा करेंगे। ये बात सही है कि मैं खलीफा खानदान का नुमाइंदा हूँ, खलीफा का पड़पोता हूँ। फिलहाल मैं खाली हाथ हूँ, मुफलिस हूँ। मुझ जैसे के कत्ल से तुम्हें क्या मिलेगी? बहुत मिलेगी। तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी जगह मैं दौलताबाद जाऊंगा। और अगर तुम दाव नहीं ला सकते आजम, तो चुपचाप चलो बाहर, चलो। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मद। खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, मैं ऐसे सीधे अरबिस्तान वापस चला। चाहो तो ये तुम ले लो, ये इजाजत नामा, ये अंगूठी, इन्हें जो चाहे करो, मुझे ऐसे जाने दो, मैं आज सीधा बिस्तर वापस चला जाऊंगा। आज ना कभी हिंदुस्तान का रुख भी नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे पापा को छोड़ देना से जाने। अल्लाह पकड़ो उसे, असलों बदमाश को आजाद पकड़ो, पकड़ो। इंशाअल्लाह मर जाएंगे। अजीत सिंह खजाने में जमा रकम मेरी नहीं रियाया की है। लेकिन खजाने में जाली सिक्के भरने से रियाया का तो कोई फायदा नहीं होगा। तो खजाने में नहीं जाएंगे अम्मी, मैंने दूसरा इंतजाम सोच लिया। तमाम ढेर के ढेर सिक्कों को आरामगाह के पास बगीचे में रखवा दूंगा कतार, ताकि हर घड़ी में उनका दीदार कर सकूं। या अल्लाह, खजाने के साथ आप अपने चमन को भी तबाह करने पर तुले हो। आखिर ये पागलपन क्यों कर रहे हो मोहम्मद? मैंने इन दिनों तुम्हारे मुतालिक बेशुमार नाकाबिले एतबार बातें सुनी। सुना है कि तुम वजीर आजम के कातिलों को खोज निकालने के बहाने शहर भर के सरदारों, इमामों, अमीरों के पीछे हाथ धोकर पड़े हो और उनके खानगी मुलाजिमों को अपना खुफिया बना लिया है। घर में कही हुई बात तुम्हारे कानों में पहुंचाई जा रही है, क्या ये सब सच है? हाँ, मुमकिन है।
क्या ये भी सच है कि तुम्हारे शक्की पंजे से खौफ खाकर पांच सरदार फरार हो गए? केवल चार लोग फरार हैं अम्मी, पांचवें ने तो खुदकुशी की। कौन, किसने खुदकुशी की? अमीर जलालुद्दीन। या अल्लाह, एक वजीर की मौत पर इतना तरद्दुद जाहिर करना एक सुल्तान को जेब नहीं देता। इससे तुम्हारे तमाम मौतवीर अमीर उमरा तुम्हारे खिलाफ बगावत खड़ी कर देंगे, बेहद संगीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी। नजीब के कातिल का नाम छिपाने की खातिर खुदकुशी करने की नौबत क्यों आई? अभी अमीर जलालुद्दीन जैसी बड़ी हस्ती, कौन है ये मखसूस कातिल? नजीब की मौत हुई तो वो ठीक ही हुआ, वो तुम्हारा दीन बिगाड़ना चाहता था। लेकिन नजीब के कातिलों को दीन की फिक्र क्यों होनी? चाहे दीन की हो चाहे अमन की, लेकिन नजीब जैसे एक अदना शख्स का तुमने जो एतबार किया, अपने उमराओं की जो लापरवाही की, उसी से ये हंगामा हुआ है। नजीब मेरा वफादार नहीं था, लेकिन तख्ते शाही का सच्चा वफादार था। अगर नजीब किसी रोज मेरे खिलाफ तलवार उठाता तो मैं यकीनन तस्लीम कर लेता कि मुझसे कोई संगीन भूल हो गई है। बाहर, अब तो उसे भूल जाओ। अगर इस तरह सबको बेतहाशा परेशान किया करोगे तो तुम्हारा तख्त शाही कभी मुस्तकिल नहीं हो पाएगा। अगर ये अमीर उमरा तुम्हारे खिलाफ बगावत खड़ी कर दे तुम क्या करोगे? जूझता रहूंगा। मोहम्मद, कब तक अपने आप को यूं जरूरत पहुंचाते रहोगे? इससे छुटकारा नहीं अम्मी, लेकिन अब शायद ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। क्या मतलब? अमीर जलालुद्दीन ने खुदकुशी कर ली तो उसका भाई किसी से मुलाकात के बहाने दिल्ली से गायब है, शायद उसे भी कातिल का नाम मालूम हो। इस सिलसिले में मैं जल्दी ऐलान कराने की सोच रहा हूं, अगर वो अपनी खैरियत चाहता है तो उस कातिल का नाम हमें बता दे, वरना इसके वालदैन और बीवी बच्चे जो अभी दिल्ली में बसे हैं उन्हें कत्ल करा दूंगा। अंजाम दहशतनाक है, तुम्हारी जान की खैरियत नहीं रहेगी। मुझे अपनी खैरियत की परवाह भी नहीं। या अल्लाह, मुझे खौफ लग रहा है, ये तलाश बंद करो मोहम्मद, मुझ पर मेहरबानी करो, बंद करो ये तलाश। इस हौलनाक पागलपन से बाज नहीं आओगे तो सुनो, मैंने ही नजीब का कत्ल करवाया है। ये मजाक का वक्त नहीं है। अमीरों सरदारों की बगावत से मुझे बचाने के लिए झूठ मत बोलिए, ये कोई मामूली वाकया नहीं। मालूम है मुझे, इसलिए कहती हूं, मैंने ही उसे जहर दिलवाकर मरवाया है। यह गैर मुमकिन है। गैर मुमकिन क्यों है मोहम्मद? वालिद और भाई को मरवाने से ज्यादा आसान है, शेख इमामुद्दीन की मौत से ज्यादा जायज है। मैंने अपने वालिद का कत्ल किया तब मैं अपने बुलंद ख्यालों के पागलपन में अंधा था। क्या तुम देख नहीं सकती कि इससे मेरा जमीर किस कदर जख्मी है? इसी डर के मारे मैंने शीशे में अपना चेहरा तक देखना छोड़ दिया कि कहीं वालिद का चेहरा नजर ना आए, कहीं शेख इमामुद्दीन की शक्ल दिखाई ना पड़े। मेरे करीब के सिर्फ तीन शख्स रह गए थे, तुम, नजीब और बर्नी। फिर अब तुम्हारे ही हाथों नजीब का कत्ल होना था। क्यों अम्मी, क्यों? तुम्हें क्या पड़ी थी? बचपन में तुम्हारा जोश और खरोश देखकर मुझे बेहद तसल्ली हुआ करती थी कि तुम्हारी सल्तनत में हर तरफ अमन चैन कायम रहेगा, हुकूमत पायदार होगी। लेकिन तुम्हारी तख्त नशीनी के 7 सालों में ही मुल्क का यह हाल हो गया। वालिद, भाई, शेख इमामुद्दीन जैसे एक के बाद एक तुम्हारे सन की ख्यालों के शिकार होते चले गए। उसके बाद तो जैसे मरने वालों का ताता कभी टूटा ही नहीं, गोया सारा मुल्क कसाईखाना बन गया हो। और इस मुकम्मल तबाही का जिम्मेदार था तुम्हारा बदकार नजीब। तुम्हें भी अपने साथ घसीटे लिए जा रहा था जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसके काले कारनामे, मेरे कारनामों की बुनियाद की तफ्तीश करनी थी तो उसके लिए नजीब का खात्मा करने से क्या हासिल हुआ? इस कत्ल से तुम क्या चाहती थी, बोलो?
बोलो। औरत, औरत, अगर तुम भी तो औरत ही हो, सौतेले बेटे पर बेगरज ही शफकत बरतती रही। मेरी अपनी वालिदा जिस बात के लिए मुझसे खफा है कि मैं उनका कठपुतला नहीं बना, अगर तुम भी तो वही चाहती हो, अजीब के चंगुल से छुड़ाकर अपने जाल में फंसाने की तरकीब। नहीं मोहम्मद, खुदा की कसम, अगर इख्तदार हासिल करने का मेरा इरादा होता तो मैं खुद कभी मौजूदा वाकये का इकबाल न करती। चालाक औरत, काफी होशियारी बरती है तुमने, पर तुम इस गफलत में मत रहना कि तुम मेरी मां हो, इसलिए सजा से बरी कर दूंगा। तुम्हारे प्यार की मैं रत्ती भर कदर नहीं करूंगा। अम्मी, अम्मी अगर इख्तदार की ख्वाहिश थी तो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेती, ये क्यों किया तुमने यहां पर? मेरी बात सुनो, हटा लो अपने हाथ। वफादारी की एक ही सजा है, सजाए मौत। ले जाओ इसे कैद खाने में, शाही हुक्म दोहराया नहीं जाता। वजीर नायब को हमारा हुक्म सुना दो कि कल सुबह इसे बाजार के बीच खंबे से बंधवा कर मरवा दिया जाए। ए मेरे आका, मेरे हाथ थाम ले, मैं नहीं जानता कि मेरी रगों में अपना खून कौन सा है और बेगाना कौन सा। मैं भटक गया हूं मेरे मालिक, तू ही बता आंखों के आगे ये क्या है, बियाबा है या सब्ज बाग? ये बंदा तेरी राह का मुसाफिर है आका, इसे क्यों इस तरह रेगिस्तान में अकेला भटकने देते हो? वो तेरे सहारे का मुंतजर है मालिक, उसे सहारा दे, उसे बीनाई दे। उनसे रंगी अपनी उंगलियों से, तेरे गैबी लिबास का दामन थामे वो घिसटता जा रहा है। मेरे आका, मेरी फरियाद सुन ले, मुझ पर रहम कर, मैं बेसारा हूं खुदावंद, तू पनाह दे, तू पनाह दे। अल्लाह सुल्तान को आओ भाई, बड़े मौके पर आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे गद्दारी से बचा लिया। मैं इबादत करने लगा था, कितना बड़ा जुर्म मुझसे सरजद होता। अभी खत आया है हुजूर, खलीफा खानदान के नुमाइंदा गयासुद्दीन अब्बासी दौलताबाद तशरीफ ला रहे हैं, एक दो महीने में आली पगड़ी यहां पहुंच जाएंगे। अब उनके आने से भी क्या होगा बरनी, अभी अभी इबादत की कोशिश में था, मैंने अपनी अजीज अम्मी जान को सजाए मौत दी है, लेकिन मुझे एतबार नहीं होता कि मेरी अम्मी जान गुनहगार है। बच्चों का
के काबिल है तेरा यूसुफ के फरजंद अर्जमंद गयासुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। इस रोजे मुबारक के मौके पर उमूमी इबादतें जो 5 बरस बंद थी अगले जुमा से फिर जारी होंगी। इस जुमा से हर रोज 5 बार नमाज पढ़ी जाए और कुरान शरीफ शरीयतों की बाकायदा तामील की जाए। बताइए इबादत से पहले रोटी तो मिले। अरे रोटी का नाम मतलब है ना इबादत। करो इबादत, उसी को खाओ, उसी को बिछाओ और उसी को ओढ़ लो। जो कुछ अनाज है वो भी शाही महल के अंदर है। क्यों, अमीरों के यहाँ भी तो अनाज भरा हुआ है। पहले हमें रोटी दो, इबादत की बात फिर देखी जाएगी। अजाब सबाब का हिसाब किताब मुल्लाओं पर छोड़ दो। सुल्तान ने तो खलिहान खुलवाए हैं और लोगों में गल्ला बटवाया है। सारे के सारे कल्याण खाली पड़े हैं, गेहूं का दाना तक नहीं। इस पर फरमाते हैं इबादत करो। अब किसे पड़ी है इबादत की? परसों मेरे कस्बे से मेरा छोटा भाई आया, कहता है हमारा हाल तो फिर भी बेहतर है, उनका तो बहुत बुरा हाल है। उसी ने बताया अगर 2 मुट्ठी गेहूं लेना हो तो 20 रखती चांदी दो। होशियार, बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार शाह शहान सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तशरीफ ला रहे हैं। आपके वजूद मुबारक से मेरी सल्तनत पाक हो गई। मुद्दत से आपके दीदार का मैं मुंतजर था। मुद्दत हुई कि दौलत आबाद के गली कूचे सजदा उजारी की सुहानी सदा नहीं सुन पाए। जब तक आपके कदम मुबारक दौलत आबाद में दाखिल नहीं होते तब तक आपके ताबेदार इबादत के काबिल ही कहां ही। गुनाहों के काले साए से हमारे पांव उलझे हैं। अजाब के जोर से कहत और सूखे ने खेत के दाने दाने को जला के रखा है। इबादत पर गूंगापन काबिज हो गया है। आप जैसे आला मर्तबे की मौजूदगी से हमारी सल्तनत में रौनक अफजाई हुई है। अलीउल्लाह आपकी खाके पाक इनायत हो। आपके हुक्म की बसरो चश्म हम तामीर करें। और तबे आला हमें अपनी हिफाजत में ले। अकबर सुल्तान, आप जैसी मजहब परस्त हस्ती जब दावत नामा भेजिए तो कैसे इंकार करती। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफाजत में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जरा नवाजी। आज के रोजे मुबारक की याद में अगले जुमा से हम उमूमी इबादतें जारी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बदस्तूर दौलत आबाद के गली सड़कों में दीनो ईमान के काम बिला झिझक खुदा तर सुल्तान जिंदाबाद। आमले तिरो हुमायता खलीफा
जाते हुए आधे रास्ते में इसने मेरे बच्चे को मारा है। वही एक कातिल जिसने मेरे बच्चे को मार डाला, मुझे बाज बना दिया। वो मेरे बच्चे का कातिल है, मैं उसे कच्चा चला जाऊंगी। इसने मेरे बच्चे को मारा है। क्या कह रही है, कौन है, किसने बच्चे को मारा है? शायद सुल्तान के मुतालिक कह रही होगी। सुल्तान के अलावा और कौन होगा, और कौन से बच्चे को मार सकता है? हाँ हाँ, मार दिया होगा, जरूर कत्ल किया होगा। रोटी बतकाओ, जीते रहो कि माने ही कत्ल है। मेरी बेटी भी इसी तरह मर गई। अरे कब तक यूं छटपटाते रहेंगे, रोटी के लिए तरसते रहेंगे? उस वक्त अगर एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो मेरी बच्ची। ए रहमतिन सुल्तान, हमें रोटी दो, इबादत वापस लाओ, हमें रोटी दो। भूख से नहीं मरना चाहता, तुम्हारे इस बालक से ही मरना ज्यादा पसंद करूंगा। कौन मारेगा, कौन किसको मारेगा, हम कहीं देखें कहां मरने वाला। बेवकूफ हो तुम, अरे कितनी बार कहा कि यहाँ किसी बात का खतरा नहीं है, अब तुम्हारी नादानी की वजह से महल के उन मुलाजिमों को हम पर शुभा हुआ होगा। देखो आजम, और 8-1 रोज इंतजार करो, फिर देखो मैं सब ठीक कर दूंगा। तब तक क्या होगा, तुम शहर के लोगों से मिले हो, उनका हाल देखा अजीज, बर्दाश्त के बाहर है। कई लोगों की भीड़ पागल कुत्तों की तरह चीख रही है, कई बीमार लोग उल्लुओं की तरह करा रहे हैं, कहीं आते सनी हो रही है। तुम कभी महल से बाहर गए हो? नहीं। मैं गया था, छुपे छुपे। छुपे छुपे क्या मांगते हो, सुल्तान के मेहमान छुपे छुपे जा रहे हैं, कभी अंजाम भी सोचा है? महल से बाहर जाने का एक खुफिया रास्ता है, जिस रोज मैं यहाँ आया उसी रोज उसे खोज निकाला था, और वो रास्ता बाहर जा खुलता है, वहाँ कोई सिपाही तैनात नजर नहीं आया। मैं दो मरतबा हुआ है। शाबाश, दो मरतबा तो देखा, उसे बयान नहीं कर सकता अजीज, मेरा दिल भरा है। शहर के उत्तरी हिस्से में जो इमारतें हैं उनमें लोगों को लूट लूट कर बटोरी गई दौलत दफन है, साथ ही कई मुर्दे जो कि त्यों पड़े, नशों का जमघट लगा, और इन नशों के नीचे दौलत छुपा रखी है। तो इस सब की खबर मुझे पहले क्यों नहीं दी? क्योंकि मुझे शक था कि तुम मुझे बाहर जाने से रोक लोगे। अजीज, अब मेरी हिम्मत पस्त हो गई है, मैं यहां नहीं रुक सकता, मैं आज ही यहां से निकल जाना चाहता हूं। तुमने ये सोचा कि जिन जिन मुलाजिमों को तुमने घोड़े लाने के लिए रकम दी है वो तुम्हारे साथ वफादारी बरतेंगे, इसका क्या यकीन है? लेकिन वे लोग सुल्तान से तो बेहतर है, सुल्तान पर जुनून सवार है हथियार चलाने का। मैंने तुमने उनके हाथों मारे गए कितने लोगों की लाशों में घास पूछ नहीं डूसी है। ऐसे मालदार सुल्तानों से तो ये मुलाजिम अच्छे हैं। अजीज, तुम्हें पता है मेरे कमरे के बाहर जो खुली जगह है वहां तांबे के सिक्कों के कई अंबार लगे हैं। अबे, तो उससे डर गए? उनमें से ढेर के ढेर सिक्के तो हमारे ही बनाए हुए हैं। जिस रोज हम यहाँ आए उस रात मुझे नींद नहीं आई, मैं अपनी खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, चांदनी फैली हुई थी, सिक्कों के भी अंबार सांपों के बड़े बड़े घरौंदे से लग रहे थे। तभी उन अंबारों के बीच कुछ हरकत सी हुई, एक साया हिलता नजर आया, कोई अकेला उन अंबारों के बीच टहल रहा था। फिर उस साया एक अंबार के पास भेस बैठा रहा आधे घंटे तक, फिर अपने हाथों से खोद खोद कर अपनी मुट्ठियों में सिक्के भरने लगा, खड़ा हुआ और मुसलसल उन सिक्कों को गिराता रहा। जानते हो कौन था? वो हमारे सन की सुल्तान थे। पर ऐसी रात एक नहीं तीन चार रातें देखी। अबे तो उससे डर गए? उस दिल वो मकसद भूल गए जिसके लिए हम यहाँ आए थे। उसकी फिक्र मत करो,
या इनाम बाबू के नाम पर जो कुछ हीरे मोती मिले सबको गठरी बना के रखा। अरे किसी ने उस गठरी को देख लिया हो तो? रकम छुपाने के तरीके अगर मैं नहीं जानता तो पेशे में चोर कैसे तस्लीम किया जाता? वो सब मैंने ठीक कर लिया है। असम, असम, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? अगर सुल्तान दरियाफ्त कर बैठे कि ये आपके मुरीद आजम कहां चले गए तो मैं क्या जवाब दूंगा? अभी तो कह रहा हूं तुम भी मेरे साथ चलो, कोड़े यहां नहीं वाले। तुम समझदार हो, तुम मौत से खौफ नहीं खाते, लेकिन मैं सचमुच रहमक हूं अजीज। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है, खोखला, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना अजीज मानता हूं। बस चले जाओ, जाओ। मैं क्या करूं अजीज, भी मेरे साथ चलो, अब इस दौलत से पास आओ। दौलत से पास आओ, हम क्यों वजीर सुल्तान के बखेड़ों में पड़े? आओ अजीज, घोड़े आने वाले। आओ अजीज। तो ठीक है, मैं चला। खबरदार, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मत, या खुदा, मैं पूछ सकता हूं क्यों? अर्ज किया ना हुजूर, बरन शहर से खत मिला है, मेरी अम्मी जान का इंतकाल हो गया। रखा या कैसा क्यों हुआ बरन? मैं नहीं जानता हुजूर, मुझे जो खत मिला उसमें सिर्फ उनके इंतकाल की खबर थी। अब चले जाओगे तो वापस मेरे दरबार में लौटने का इरादा है? मैं नहीं जानता हुजूर। सुल्तान सलामत रहे, गजब हो गया हुजूर। इजाजत हो तो आज के हौला वाक्य को बयां करूं। बताओ क्या है? खुदावंद, मोहतरम गियासुद्दीन के हमकदम आजम जहां का कत्ल हो गया। कत्ल? आजम जहां का कत्ल हो गया? हुआ क्या? मैं हुजूर आला का खुफिया पहरेदार हूं मालिक। शाही महल में जो खुफिया रास्ता है उनके दरवाजों पर तैनात हूं। पहले भी दो एक बार आजम जहां को वहां से आते जाते देखा, लेकिन मौसम की तादीम के ख्याल से चुप रहा। आज अभी आधी घड़ी पहले भी आजम जहां उसी रास्ते से बाहर है, मैं बदस्तूर अपनी जगह बैठा रहा। मोहतरम ने कुछ आवाज लगाई जिसे सुनकर दो बदमाश चार घोड़े लेकर उनके करीब आए और आजम जहां ने भीतर से एक भारी गठरी लाकर घोड़े की पीठ पर रखी। तब मुझे शुभा हुआ, मैं बुलंद आवाज में कुछ पूछना चाहता था कि उनमें से एक ने आजम जहां पर तलवार से वार कर दिया। जब तक मैं अपने हमपुश्तों को लेकर मौके पर पहुंचा तब तक वो बदमाश भारी गठरी के साथ घोड़ों पर सवार होकर फरार हो चुके थे। इसी वाकये की खबर देने की खातिर मैं सुल्तान के हुजूर में भाग आया। मेरी जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दे हुजूर। का ख्याल मत करो, मगर एक बात याद रहे, आज के इस वाकये की खबर शाही महल में किसी तक ना पहुंचे, खबरदार। अब जाओ, जाते जाते दरबान से कहो कि वो मौज़म यासुद्दीन को फौरन यहां पेश करे, लेकिन खबरदार उन्हें भी इस वाके का सुराग ना मिले। जो क्या नया हादसा पेश हुआ हुजूर? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाया। अगर नहीं समझते तो यहां से रवाना होने की बेकरारी को थोड़ी देर के लिए जब्त कर लो बरनी। तुम्हारे जैसे वाकया नवीस को ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। हुजूर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं जो यहां से जा रहा हूं उसका गलत मतलब ना निकाल। विदाई के मौके पर भी क्या तकरीर की जरूरत होती है? तुम्हें जाना है तो जा, बहुत से लोग चले गए, कोई सीधे रास्ते से तो कोई। आप मुअज्जम गियासुद्दीन से बाद में मुलाकात नहीं कर सकते हुजूर? आज जुमा है, थोड़ी देर बाद आज उमूमी इबादत शुरू की जाएगी। हजरत गियासुद्दीन जैसी पाकीजा हस्ती ने दौलताबाद में अपने कदमे मुबारक रखे हैं। आज नजीब को यहां होना चाहिए था, वो इस मजाहिया खेल का तह तक मजा लेता। अल्लाह सुल्तान को सलामत रखे। मोहतरम, खैरियत से तो है? आपकी सखावत और फैयाजी के रहते किस बात की तकलीफ होती हुजूर?
आइए आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया। शहर में जो दंगे फसाद हुए उससे हजरत को बहुत तकलीफ हुई होगी। इस हंगामे के बीच मैं आपकी खदमत में हाजिर ना हो सका, मोहतरम मुझे माफ करें। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि हमारे आने के बाद ये हंगामे शुरू हुए हैं। सुल्तान, कहना ही होगा कि दीनों ईमान का इकबाल मध्यम पड़ता जा रहा है। आपको ऐसी दहशतनाक खबर देने जा रहा हूं कि सुनकर शायद गहरा सदमा पहुंचे। अभी अभी एक पहरेदार ने खबर दी कि शाही महल के बाहर आजम जहां का किसी ने खून कर दिया। या खुदा, अहले जहां पर ये क्या बीत रहा है? आजम जहां जैसे बेकसूर शख्स का खून करके उनको क्या मिले? कौन है तुम? कब तक इस तकलीफ भेज में शाही महल में रहने का इरादा है? आप क्या फरमा रहे हैं हुजूर? बताओ, मेरी कुव्वतें बर्दाश्त को आजमाने की नादानी मत करो। मैं एक धोबी हूं हुजूर। मेरा पहला नाम अजीज है, उसके बाद 200 नाम मिले तो हजरत गियासुद्दीन साहब ना है। गियासुद्दीन जैसे नेक करदा पाक दिल के कातिल को कौन सी सजा मिलेगी, जानते हो? मैं नहीं जानता हूं हुजूर, लेकिन खुदाबंद अगर आप मुझे सजा देंगे तो आपको अपने हिसाब से इंसाफी करनी पड़ेगी। बदकार के मुंह से इंसाफ की बात? पाक दिल ये लफ्ज सिर्फ शेख इमामुद्दीन को जेर देता है हुजूर। गियासुद्दीन को अगर आप देख लेते तो शायद ही आप उनको नेक करदार या पाक दिल तस्लीम करते। मैं धोबी खानदान का नुमाइंदा हूं हुजूर, और वो खलीफा खानदान के नुमाइंदा थे। बात सही है, लेकिन हुजूर ये बात तो आप भी जानते हैं कि बड़प्पन और खानदान का कोई वास्ता नहीं होता। उस्ताद तो सुल्तान की तौहीन करता है। मेरे साथ गोई को माफ करें हुजूर, जब से आप तख्त नशीन हुए मैंने आपके हर काम पर गौर किया है हुजूर। आपकी हर बात तहे दिल से सुनी है, आपका असल मोतकिद बनने की जद्दोजहद की है हुजूर। अच्छा, खुशामद पर उतर आए। अगर मैं आपका मोतकिद कहलाऊं तो दाद तो मुझे मिलनी चाहिए ना हुजूर, आपको नहीं। जब से आप तख्त नशीन हुए हैं मैंने देखा है कि हर मौके पर आप अपने मकसद और ख्यालों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आप ही बता दें खुदाबंद कितने लोगों ने आपकी बातों पर गौर किया है जब से मैंने होश संभाला। अब क्या हमें तेरी खुद बयानी सुननी होगी? हाँ हुजूर, हक के खातिर सुननी होगी। इससे बातें करने से क्या हासिल होगा हुजूर? इसे सजा का हुक्म दीजिए, सजाए मौत। जनाब बरनी, आप नहीं जानते कि मुझे सजाए मौत देने पर सुल्तान की सूरत हाल क्या होगी। सूरत हाल? मेरे साहब को फिर माफ करें हुजूर, आपने मुझे खलीफा खानदान का नुमाइंदा तस्लीम किया है, अवाम के सामने मेरा इस्तकबाल किया है, सबके सामने आप मेरे पांव पकड़ चुके हैं हुजूर। अब अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि मैं हजरत गियासुद्दीन नहीं हूं, महज खेड़े का एक धोबी हूं, तो क्या लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे? और अब आजम जहां के कत्ल के बाद सुल्तान मेरा कत्ल पोशीदा तौर पर नहीं करवा सकते, एकाएक दोनों मुअज्जम मेहमान शाही महल से गायब हो जाए तो क्या लोगों को शको शुभा नहीं होगा? आप ही बताइए हुजूर। कहना क्या चाहते हो? अपनी कहानी हुजूर। मैं गरीब धोबी के खानदान में पैदा हुआ था, बड़ी बदहाली में मेरे दिन कट रहे थे, तभी आप तख्त नशीन हुए, हिंदू मुसलमानों की बराबरी का ऐलान किया। मैं ब्राह्मण बन गया हुजूर और आपके खिलाफ अदालत में फरियाद की। तो ये ठगी की कहानी तब से शुरू हुई है? हाँ हुजूर, मैं और आजम जहां आपकी खदमत करते हुए दौलताबाद पहुंचे और जाली सिक्के बनाने में जुट गए। उस धंधे में हमने खूब रकम कमाई हुजूर, फिर हम दोआब रवाना हुए और हमने जमीन खरीद ली हुजूर खेती करने के वास्ते। सूखे में खेती? तुम इसकी दलील नहीं समझे बरनी, कहत व सूखे की वजह से इन्हें गोया मुफ्त में जमीन मिली। फिर हमने ऐलान कराया था कि जो कोई दुआब की सूखी जमीन पर खेती करेगा उसकी माली मदद की जाएगी, जो माली मदद मिली उसे भी ये लोग बटोर ले गए।
तभी हमारे कारिंदों को इनकी बदनीयती का सुराग मिला होगा, इसलिए फिर से अपनी जान बचाने की खातिर भेस बदल कर भागा है और नया धंधा डाकू लुटेरों का चालू किया। यही है ना तुम्हारी जिंदा दिली की तफसील? आपकी रोशन दिमागी की शोहरत तो हर जगह फैली है। आपने जो कुछ फरमाया वो सही है। हमने दोआब से भागने की कोशिश की थी, लेकिन आपके हाकिमों के चंगुल से निकल भागना आसान नहीं था हुजूर। अब एक ही रास्ता था हमारे पास, आपकी फौज में भर्ती होना। हमें वहां फौरन मुलाजिमत मिल गई। हमारा काम था लोगों की लाशों में घास भरना। वो दिन भी कैसे कमाल के थे। आए दिन किसी न किसी अमीर या सरदार की लाश हमारे हाथों से गुजरती थी। उन्हीं दिनों वहां एक नई बात का इल्म हुआ हुजूर की कि इंसान की जिंदगी की कोई कदर नहीं। मौत से डरना तो सबसे बड़ी नासमझी है। जो ही सच्चाई का इल्म हुआ हुजूर, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। फौरन आपकी फौज से विदा लेकर डाकू बन गया। खुदावन, ये सच है कि मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं फिर भी खुद को आपका मुतअक्किद मानता हूं। आप ही बता दें हुजूर, आपकी सल्तनत में और कौन ऐसा शख्स होगा जिसने मुसलसल 5 वर्षों तक इस कदर वफादारी बरती हो कि वो अपने हर काम का आपके काम से मुकाबला करता रहा हो। हुजूर, ये जहरीला सांप है, इसे फौरन जल्लादों के हवाले कर दीजिए। जनाब बरनी, बिला शक आप मुझे कसूरवार मान लें, लेकिन इस सूरत में ये मत भूलिएगा कि मेरे ही बराबर सुल्तान भी कसूरवार। बंद करो अपनी बदज़मानी को। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि हमारे ही ऊपर बेरहम हो जाओ? बेवकूफ, अपनी हद में रहो। मेरा मुतअक्किद कहलाने का दावा करते हो, पर तुमने मेरे एतिकाद की सख्ती को कभी आजमाया है? लोगों के डर से कदम पीछे हटाते कभी मुझे देखा है? अब लोगों के मजाक से डर जाऊंगा? एक जलील कमीने की इतनी मजाल कि हम पर अपनी होशियारी का जाल फैला दे। सूली से 2 हज नीचे जब तेरी जबान लटकने लगेगी, तब तेरी खबासत की खबर लूंगा। मैंने अपने वालिद की परवाह नहीं की, दीनो ईमान का ख्याल नहीं किया, सैयद और इमामों को दरकिनार कर दिया, यहां तक कि अपनी रियाया उस पर भी रहम नहीं किया। फिर अब तेरी हकीर हरकतों से घबरा जाऊंगा? खलीफा का भेस भरने वाले इतना चीज धोबी की औकात ही क्या है? मैंने अपना पेशा खूब निभाया है हुजूर। गंदगी धोने का काम मैंने इस लम्हे तक जारी रखा है। इस लिहाज से किसी खलीफा से मेरी हैसियत कम नहीं है हुजूर। मरहबा, मरहबा, ऐसा गुस्ताख हमने पहले कभी नहीं देखा। बरनी, इसकी बेबाकी हमें बहुत पसंद आई। अब तुम ही बताओ अजीज, अजीज तुम्हें क्या सजा दी जाए? अपने किसी सूबे का सूबेदार बना दे। सूबेदार? सजा तुझे मिल रही है, मां हमें नहीं। आदमी को गलत ना समझो हुजूर, अब तक बगैर किसी मकसद और रहनुमाई के मनमाना मैं करता रहा। तो मैं अर्ज करता हूं हुजूर कि आप मुझे मौका दें ताकि मैं आपके साथ वफादारी बरतूं। आपके वास्ते मैं अपनी जिंदगी वक्फ करने को तैयार हूं हुजूर। शाबाश, शाबाश। न मालूम मैं भी अहमकाना हरकतें क्यों करने लगा। नहीं, शायद तेरे लिए सूबेदारी ही माकूल सजा। आजम जहां को दफन करने के बाद तो अरबिस्तान वापस जा, फिर आधे रास्ते में गायब हो जाना मंजूर है। गायब होने के फन में खासा माहिर हूं। दखन के लिए हमें कुछ सरदारों की जरूरत। हम तुझे सरदार का ओहदा अता करते हैं। पोशीदा तौर पर दखन जा, वहां के सिपाही सालार को हम अलग से खत भिजवा देंगे, वो तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। तुम वहां के सरदार बना दिए जाओगे। आपकी फैयासी का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं हुजूर? कुरान शरीफ बस बेकार सांग मत भर। तुम्हारे लिए हुक्मनामा अलग से भिजवा देते हैं। अब जाओ, यहां से इबादत का वक्त हो रहा है, तुम अभी मौसम यासुद्दीन हो, खबरदार। हुजूर,
अगर आपकी इजाजत हो तो आपके हक में सैयदो इमामों के खिलाफ एक जोरदार बयान दूं। नहीं, तुम उसके काबिल नहीं। जाओ यार। आपने मुझ पर जो एतबार किया, जो रहम किया, उसके लिए ता जिंदगी में आपका एहसान मंद रहूंगा। खुदावंद, आपने उस बदमाश का इस हद तक एतबार किया कि उसे इनाम इकराम बख्शा। आखिर ऐसी कौन सी खसूसियत आपको उसमें नजर आई हुजूर? आज उस बदमाश ने मुझे एक नई बीनाई दी। उसी बदमाश से मुझे ये सबक मिला, हमारे कट्टर दुश्मन वो है जो हमें और हमारे ख्यालों को समझने का दावा। मैं खुदा की कसम खाकर कहूंगा हुजूर, वो बदमाश कभी आपके साथ वफादारी नहीं करेगा। जब मैंने आइनुल मुल्क को माफ किया था तब अकेले तुमने मेरी हिमायत की, राज में मेरी फयाजी की इस तरह मुखालफत की। इससे तो उल्मुल्क की नेक नियति और दरिया दिली ही जाहिर होती है। रियाया पर अब उल्मुल्क की वैसी पकड़ नहीं रही बल्कि हमें खबर मिली है कि उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इसलिए वो हमारी फौज की कुमुक चाहता है, हमारी दोस्ती चाहता है ताकि उसके वजूद को हमारी हिमायत मिले। ये दावतनामा उल्मुल्क की इसी सूरत हाल का नतीजा नहीं? यानी आप अवध नहीं जाएंगे? नहीं बर्मी, मैं दिल्ली वापस जाना चाहता हूं अपनी रियाया के साथ। क्यों अपने आप को यूं सताते हैं, साथ ही अपनी रियाया को भी परेशान करते हैं? आपकी रियाया आपके लिए परेशान हो, तकलीफें उठाए, मौत का सामना करे और ये बदमाश धोबी आपसे इनाम हासिल करे, ये कहां का इंसाफ है हुजूर? अगर किसी को मौत के खाट उतार रहा है तो उसका पहला अवतार ये धोबी है। इसकी आंखों में गर्म सलाखें रख दी जाए, इसे दौड़ते हुए घोड़े से पैरों से बांध दिया जाए, इसे खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए, इसके जिस्म में टुकड़े टुकड़े करके इसे शाबाश शाबाश करनी। तुमने तो उस धोबी को भी मात दे दी। यकीनन ऐसी संगीन सजाओं का ख्याल तो उसने भी नहीं किया होगा। पर नहीं, अगर सच्चाई इतनी सहल होती तो जिंदगी बड़ी आरामदेह साबित होती। सारे माने ऐसे बेमानी हो गए हैं कि उल मुल्क और धोबी में कोई कुछ भी करे उससे मेरा क्या वास्ता। जो चाहे मेरी दरिया दिली, मेरी सहावत, मेरी जिंदा दिली, सब कुछ लूट के ले भागे, फिर भी मैं रहूंगा मेरे साथ, मेरा अपना मैं रहेगा और मेरी सनद रहेगी। अगर एक बात याद रखना, अपनी इस सनद में मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और भी एक मौजूद है, वो खुदावंद अल्लाह ताला। मेरे बारे में फैसला करते वक्त अल्लाह को ना भूलना पड़ती। हुजूर, मैं फैसला आपके बारे में नहीं, खुद अपने बारे में देना चाहता हूं। अभी अभी जो उस धोबी के लिए मैंने सजाएं सुनाई है उन्हें याद करता हूं तो मेरा खून सूख जाता है, दिमाग चकरा जाता है। तो अगर एक लम्हा और भी यहां रह गया तो तशद्दुद की वबा मुझे अपने आगोश में ले लेगी। तशद्दुद के साथ चाहे आप छेड़छाड़ कर सके, मैं नहीं कर सकता। आपने मुझे फिसलते फिसलते बचा लिया, आपका एहसान मंद हूं। मैं रुखसत होता हूं उर्दू, मुझे इजाजत दे। क्या वर्मी, आपकी तबीयत नासाज है उर्दू? हाँ, कुछ थकावट महसूस कर रहा हूं और ना जाने एकाएक ये नींद मुझे कहां से घेरने लगी। 5 साल से जो मुझसे भाग रही थी आज एकाएक मुझ पर हावी हो रही है। जा रहे हो बर्नी तो जाओ, लेकिन जाने से पहले हम सबके लिए
इबादत तो करते जाओ। या अल्लाह, अल्लाह सुल्तान को सलामत। आप सबकी पेश खिदमत था नाटक तुगलक। जोरदार तालियां क्षितिज थिएटर ग्रुप दिल्ली के। साथियों, आज इस नाटक की हिदायतकारा को वहां ऑडिटोरियम में से मंच पर बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है। इस नाटक की हिदायतकारा ही नहीं, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक का माँ का रोल भी प्ले किया, जोरदार तालियां भारती शर्मा जी का। धन्यवाद मैडम। साथियों, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमारे बीच हमारी आज की मेहमान खसूसी मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैडम निरुपमा कतरू जी का। मैडम, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ मंच पर तशरीफ ले आए और हमारे इस नाटक की हिदायतकारा को 21वें भारत रंग महोत्सव का मोमेंटो और फूलों का गुलदस्ता देकर इज्जत अफजाई करें। धन्यवाद। सर, एक और खुशकिस्मती की बात है कि हमारे बीच अतुल तिवारी जी भी मौजूद है। साथियों, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। सर प्लीज, तो आप सबकी नजर तुगलक की हिदायतकारा मोहतरमा भारती शर्मा।
शुक्रिया मैडम, शुक्रिया सर। अब मैं अनुराग जी से ये गुजारिश करूंगा कि वो आगे आए और इस नाटक के पात्रों से हमारा परिचय करवाए। अनुराग जी। विशाल गौरव, आशुतोष, मैं प्रियांशु, नीरव निशान, अभिषेक फुलोरिया, आकाश सैनी, नवीन पांडे, भारतेंदु पांडे, रूपेश, राधे, अभिषेक वाजपेयी, आर्तिका, श्रद्धा, तानी, प्रिया, निशान, अभिशांत, मनीष, कपिल, नितेश गुप्ता, सुरबल कुमार, प्रविष्ट, लवली, अक्षय, सचिन, राम सेवक, कमल, राहुल चौधरी, संदीप, दीपक, अतुल पांडे, लोकेश पटेल, प्रभात मिश्रा, दिव्यांशु, नितिन कौल, सूरज, विशाल कैसाना, लक्ष्य गोयल, अनुराग ठाकुर, मोहित त्रिपाठी, लाइट्स पे थे हिमांशु बी जोशी और म्यूजिक किया है वरुण ने और इस नाटक के डायरेक्टर भारती शर्मा। शुक्रिया, फिर से एक बार शुक्रिया।